दिया था, क्या दिया था? स्कैनर क्यों सा हाल पांडे जी हैं? अच्छा तुमको जमा की कोई क्वेरी है, खरी है? सुनो, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक. आई टेक अप योर क्वेरीज ऑफ डिप्रिसिएशन लिटिल लेटर ऑन, बट आई शुड स्टार्ट विद फर्स्ट टुडे कंसाइनमेंट एज प्लान. मे बी वील हैव टू टेक अ लिटिल एक्स्ट्रा लेक्चर इन द इवनिंग और सो, और तब मैं आपके क्वेरीज सॉल्व करूंगा डिप्रिसिएशन के. होपलेस, चिप चिप करना ही सीखा है बचपन से, और तो कुछ ज्यादा नहीं. तू ही कर रहा है. चलो पूरी क्लास एक बार इरेक्ट बैठेगी. एवरीवन ऑफ यू प्लीज सिट इरेक्ट. ओके नाउ शो मी सम टीथ. जो जो लोग ब्रश करके आए हंस सकते हैं, स्माइल दे सकते हैं. ऑलराइट, ये बच्चा ब्रश करके नहीं है, शी खंदा है. तू ही हाँ तू, फिर स्माइल क्यों नहीं देता? चल स्टार्ट. उसको गुस्सा बहुत आता है, मजाक नहीं ले सकता वो थोड़ा सा. चलो शुरू करते हैं क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग विद व्हाट? सो राइट डाउन द हेडिंग कंसाइनमेंट. ओके, राइट डाउन द हेडिंग कंसाइनमेंट. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड वेरी ईजी. इनफैक्ट सीपीटी का एक भी टॉपिक नहीं है जो डिफिकल्ट है. भाई और बहनों, सारे टॉपिक्स ईजी है. किसके लिए? मेरे लिए. और चलो लगा लो शरत कि तुम सारे लेक्चर अटेंड करो तो तुमको भी ईजी जाएगा. ये लगा दोगे शरत? कितने रुपए की? हाँ 10 रुपए. हाँ चलो चलते आगे. ऑलराइट, व्हाट चप चप. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, संतोष मैं ऊपर आ गया हूं. When I need to expand the business, I can do it with the help of a branch. I can do it with the help of a subsidiary. So to expand the business, I have got variety of the ways. Say yes, beta. So now one of the ways to appoint an agent. One of the ways to appoint an agent. To consign means to send. Right? Here I'll write down no contractual receivable or payable. No contractual receivable or payable. I'll explain this. But when I say to sell means to transfer the property. To transfer the property. In the goods. So what are you trying to explain? ध्यान से समझना. Consign और सेल के बीच का फर्क समझो. To consign means only to send. भेजना बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं. But when I use the word to sell, means the property in the goods is also transferred. So for example, if I consign this to this girl, पकड़ो बेटा, मैंने इनको consign किया तो मैं इनसे पैसे नहीं मांग सकता, बिकॉज देर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीवेबल और पेएबल बिटवीन द एजेंट एंड मी. शी इज माई एजेंट. मैंने बोला कि ये चीज तुम किसी और को बेचो, मैंने इनको सिर्फ सेंड किया है. तो बेटा ध्यान में रखना, वेन एवर आई सेंड समथिंग, इट डज नॉट गिव एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन द कंजाइनी एंड कंजाइनर. ओ सर, आपने तो दो वर्ड यूज कर दी, कंजाइनी और कंजाइनर. आई एक्सप्लेन यू. कंजाइन इज वॉट? एजेंट. And consigner is one, the one who is sending. तो मैंने इनको भेजा तो मैं बना consigner. जिसको भेजा वो क्या बने? Consignee. Interesting बात है बेटा जी. Examiner आपको पूछता है question, क्या consignee इसकी कोई entry करेगा? The answer is a big no. Surprised? इनको माल मिला, but is she going to do any entry? The answer is a big no. No. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा जी इनके ऊपर कोई भी contractual liability नहीं है. जैसे मैंने मेरे एजेंट को मेरे कार की चाबी दी और बोला कि इसको ले जाकर बेच दो तुम्हारे शोरूम में, या वट एवर यू आर एन एजेंट. सो एजेंट मेरी कार ले गया, उसको मैंने कार की चाबी दी, वो मेरी कार ले गया.
अब मैं एजेंट को बोलता हूं कि तू मेरी कार ले गया, मुझे पैसे दे. एजेंट बोलेगा कोई पैसे का व्यवहार नहीं हुआ था, अगर तुम्हारी कार बिकेगी तो मैं आपको पैसे दूंगा. तो मुख्य मुद्दा यह है कि कार जब वो ले गया तब मेरे और मेरे एजेंट के बीच में कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीवेबल या पेबल हुआ. कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब विच आई कैन गो इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड प्रूव इट. नो, देर वॉज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीवेबल एंड पेबल. मैंने सिर्फ उसको मेरी प्रॉपर्टी दी और उसने सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी को स्वीकार किया. दैट्स इट. इसके अलावा और कुछ नहीं है. और बेटा बहुत ही ज़बरदस्त बात मैं आपको वापस बताने की कोशिश कर रहा हूँ. बेटा एजेंट इसकी कोई एंट्री नहीं करता है. सो व्हेन आई सेंड गुड्स टू हर, व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? मैंने जब क्या कंचन, हाँ जब मैंने कंचन को गुड्स भेजे, मैं एंट्री करूंगा. कंजाइनर विल मेक द एंट्री, बट विल द कंजाइनी मेक द एंट्री? द आंसर इज नो. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार आता है क्योंकि बच्चा ये सोचता है भेजने वाला एंट्री कर रहा है तो मिलने वाला भी करेगा. मिलने वाला एंट्री नहीं करता, क्लियर है? क्योंकि उसको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पेएबल है ही नहीं. मैं एंट्री क्या करूंगा बताया क्या? मैं ये नहीं बोलूंगा कि इससे पैसे आने हैं, मैं कोई एक दूसरा अकाउंट बनाऊंगा. मैं लिखूंगा कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट. हालांकि अभी वो डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, बट मैंने आपको बताया. सो बेटा टू कंजाइन मीन्स व्हाट? टू सेल. सॉरी, कंजाइन मीन्स व्हाट? टू सेंड. अब देखो ये वाला सेम दूसरा आइटम, मैंने ये सेल कर दिया. बेटा आपका नाम? मैंने पायल को बेच दिया, सेल कर दिया. नाउ आई हैव गिवन इट टू हर. अब तुम मुझे बताओ मुझे कैश मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यस. अगर ये पैसा नहीं देती है तो क्या मैं इसको कोर्ट में ले जा सकता हूं कि नहीं ले जा सकता हूं? यस. तो मुझे बताओ कंचन और पायल में दोनों में से मैं किसको कोर्ट में घसीट सकता हूं? पायल. बिकॉज पायल हैज टेकन द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स, बट द कंचन हैज नॉट टेकन द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स. शी इज ओनली व्हाट? एजेंट. सो बेटा पहली चीज क्या समझ में आई? टू कंजाइन मीन्स व्हाट? टू सेंड. टू सेंड, टू सेंड टू होम? टू कंजाइनी. एग्रीड? Now who is a consignee? Consignee is an agent. अब मैं स्टोरी बनाना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनो. टू कंजाइन मीन्स वॉट? टू सेंड. टू सेंड टू होम? कंजाइनी. हु इज अ कंजाइनी? कंजाइनी इज एन एजेंट. सो देर आर टू पर्सन, वन इज अ सेंडर एंड द अदर वन इज सेंडी. दैट इज सेंडिंग नहीं, वन हु इज रिसीविंग इट. वट इज कॉल्ड एज वॉट? कंजाइनी. सो इज सेंडर, ही इज रिसीवर. Okay, he is what? Agent. Say yes. Lovely people, consigner is owner of goods. Consigner is what? Owner of goods. मैं आपसे question पूछू क्या? Agreed? मान लो तुमने कोई, अच्छा तुमने कोई नहीं, एकदम simple वाला बता दो. तुम्हारे घर में एक बच्चा है, रह सकता है, इंडिया में बहुत common है. तुम्हारे घर में एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा है, मम्मी पापा को कहीं बाहर जाना है, कोई शॉपिंग करनी है, उन्होंने बच्चे को बाजू के घर में छोड़कर गए, बोले प्लीज थोड़ी देर ध्यान रख लो. हाँ या ना? तो वी हैव सेंट आवर चाइल्ड देयर, राइट? अब वहां पर बच्चा आपका बहुत ही ज्यादा पांडे जी उत्पाती है, उत्पाती समझते हो, तोड़ फोड़ ये वो सब चीजें ऐसी वैसी कामें करता है वो, शिनचैन है इन अदर वर्ड्स. अब उस बच्चे ने जाकर उधम मचाया और उधम मचाकर उनके घर में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया. एग्रीड? या मान लेते हैं आपके बच्चे को लग गई और उस बच्चे को लगने के बाद में उसके ऊपर कुछ खर्चा करना है. मुझे बताओ लास्ट में उसका खर्चा कौन बियर करेगा? पेरेंट्स या जिसके घर में बच्चा छोड़ के आ गए वो? पेरेंट्स. यस और नो? हमारे घर में एक डॉग है, उस डॉग को हम डे केयर में छोड़ के आते हैं. जब हम घूमने जाते हैं तो कभी कभी छोड़ना पड़ता है हमारे कुत्ते को डे केयर में. तो हम उस कुत्ते को बेचते नहीं है, हम सिर्फ उसको भेजते हैं. दोनों में फर्क है. बेचते नहीं है, भेजते हैं. समझ में आया? सो हम जब उसको भेजते हैं, वी ओनली सेंड देयर, तो उसका रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, उसकी मेडिसिन, जो कोई भी खर्चा है कौन करते हैं? हम. से यस. बाबू तुमको सबसे मेन मुख्य इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज दे दी. All the expenses will be only borne by whom? Consigner. मेरा कुत्ता डेकेयर में गया, मेरा कुत्ता डेकेयर में गया, डेकेयर वालों ने उसके ऊपर खर्चा किया, मतलब पेमेंट उन्होंने किया. बट क्या वो बियर करने वाले कि मैं बियर करूंगा? आप. तो लास्ट में मुझसे वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे? यस. तो आपके पास एक ही नॉमिनल अकाउंट है, एक ही नॉमिनल अकाउंट है जहां पर आप सारे एक्सपेंसेस डेबिट कर सकते हो, और वो है कंजाइनर के बुक्स में, जिसका प्यारा सा नाम है कंजाइनमेंट अकाउंट.
बोलो क्या बोलोगे? कंजाइनमेंट अकाउंट, से यस। अच्छा बेटा तू खड़ा हो जा। हाँ अच्छा तुमको खड़ा होना, अच्छा आप खड़े हो जाओ। नॉर्थ श्योर, व्हाट्स योर ब्यूटीफुल नेम? गौरव। गौरव मैं आपसे एक बात बताऊँ, बड़ा बिजनेस करोगे? ओके पहले खुद से करोगे? बोला हाँ पहले खुद से करूंगा। राइट तो गौरव ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और मेहनत की, और ज़्यादा मेहनत की, और फिर उन्होंने बिजनेस को एक्सपांड कर दिया। तो पहले इनको प्रॉफिट होता था, 100 रुपये का माल बेचा तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था, राइट। फिर इन्होंने सोचा एक्सपांड करूँ, एक्सपांड करूँ, एक्सपांड करूँ, राइट। तो फिर उन्होंने एक्सपांड किया, उन्होंने एजेंट अपॉइंट किया। अब पहले जब गौरव खुद बेचते थे तो 100 रुपये में 40 रुपये का मुनाफा होता था। अब गौरव एजेंट के थ्रू बेचता है तो सेल प्राइस तो चेंज नहीं हो सकती 100 में, बट इनको मुनाफा होता है सिर्फ 25। एग्रीड? अब गौरव चिंतित है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे। बोले पहले तो प्रॉफिट हो रहा था कितना, 40, और अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? तुमने पहचान लिया, क्योंकि जब हम एजेंट को बेचते हैं तो क्या कमीशन। बट बेटा जी जरा कॉमन सेंस से सोचो, अगर गौरव को पता करना है कि इस कंसाइनमेंट में सही से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको नहीं लगता इस एक्टिविटी को हमको सेपरेट कर उसकी अकाउंटिंग करनी चाहिए? बोलना हाँ या ना। बिकॉज इफ आई एम अर्निंग और नॉट अर्निंग, अगर मेरा सारा खिचड़ी एक ही ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा तो क्या मैं कभी भी पता कर पाऊंगा क्या? बोलो ना हाँ या ना। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सेग्रीगेट वन अकाउंट। जैसे P&L अकाउंट किसके लिए होता है? मेरे बिजनेस के लिए। बट जब गौरव उस ट्रेडिंग में से माल किसी और जगह पे भेजेगा तो उसका और एक अकाउंट बना दो, ताकि हमें पता चलेगा कि इस एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। सही है सर? नो। जैसे ये मैं मेरा कॉमनली बहुत बार करता हूं, जितने भी मेरे शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, मेरे कोई ज्वाइंट वेंचर है किसी के साथ में, उन सभी के अकाउंट हम अलग अलग मेंटेन करते हैं और चेक करते हैं कि उसमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक होटल में इन्वेस्टमेंट है और मेरा क्लासेस में भी है। अब होटल के इन्वेस्टमेंट का जो भी होने वाला प्रॉफिट अगर मैं अलग से कैलकुलेट नहीं करूं, मेरे ही क्लासेस के पूरे P&L अकाउंट में कंबाइन कर दूं, तो बेटा मुझे कभी कंट्रोल पता नहीं चलेगा कि मुझे कहां पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। और शायद ऐसा हो सकता है कि जहां पर मैं कंटिन्यूअस लॉसेस कर रहा हूं वहां पर कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहूं। यस और नो? आपको एक मुख्य बात पता चल गई, इस सिलेबस में CPT के 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप अलग अकाउंट ओपन करते हो, एक है ज्वाइंट वेंचर और एक है कंसाइनमेंट। दोनों के ही लॉजिक सेम टू सेम है। और वो लॉजिक क्या है कि जो एक्टिविटी अलग है उसके अलग अकाउंट ओपन कर दे। से यस। सो बेटा मुझे बताओ आप कौन सा नॉमिनल अकाउंट ओपन करते हो? कंसाइनमेंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या? सारे एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे, सारी इनकम क्रेडिट करेंगे। जल्दी से बताओ क्या बनाओगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। सारे एक्सपेंस क्या करोगे? डेबिट करोगे। सारी इनकम क्या करोगे? क्रेडिट। ये उसका मुख्य हम क्या बना रहे पता है क्या तुम्हें? ढांचा। जल्दी से सुंदर टीचर को याद करो। झंडूबाम तुम्हें सुंदर टीचर थी या सर थे? हाँ सर थे, जो जैसा रहता है ना वैसा मिलता है। होपलेस शायद सुना भी आ गया है। सो मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हमने, पहले क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, बोल दो यार। फिर क्या होता है? परचेस। फिर क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। झूठ मत बोल, घट तेरे से। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं कि नहीं होते? फिर क्रेडिट साइड में क्या होता है? सेल्स। फिर क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। उसके नीचे P&L अकाउंट में आ जाओ, क्या मिलता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ या ना? तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं कह दूं कि कंसाइनमेंट अकाउंट भी सेम टू सेम वही है? तुम नहीं समझते हो, बट अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट आपको कंपेयर करके बता दूं तो मैं आपको बता रहा हूं सेम टू सेम मैं वही चीज कराऊंगा। राइट? प्रूव करूं। मैं माल भेजूंगा, एक्सपेंस है मेरा, एग्रीड। कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, क्रेडिट करूंगा मैं। कुछ एक्सपेंसेस करूंगा, डेबिट करूंगा मैं। राइट? कुछ सेल किया, क्रेडिट करूंगा मैं। वही तो हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे ही करते हो ना झंडू? ट्रेडिंग में क्या? ओपनिंग, परचेस, वेजेस, राइट? फिर सैलरी नीचे P&L अकाउंट में, फिर स्टेशनरी, हायरिंग, फिर अदर एक्सपेंसेस, और इधर क्या? बाय, सेल्स, और क्या? बाय क्लोजिंग स्टॉक। बोलो ना हाँ या ना। और फिर क्या मिलता है? 2NP। ले अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट नाम नहीं देता हूँ, इसको कंसाइनमेंट नाम दे देता हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, परचेसेस डायरेक्टली किया तो डायरेक्टली, नहीं तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वेजेस तो वेजेस, सैलरी, स्टेशनरी, एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। सो बेटा प्लीज समझो, हम कोई नई चीज नहीं सीख रहे, वी आर नॉट इन्वेंटिंग अकाउंट्स फ्रॉम जीरो। कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट।
तो मैं इसको बताकर आपको, ट्रेडिंग नहीं, पी एंड एल अकाउंट कंप्लीट, मैं इसको बताकर आपको ये कोशिश करने कर ये कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा जी इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट विद द डिफरेंट नेम्स. ठीक है, चलो बताओ, टू कंजाइन मीन्स वॉट? टू कंजाइन मीन्स वॉट? टू सेंड. टू सेंड टू होम? कंजाइनर. सो देर हैज टू बी टू पीपल, वन इज वॉट? सेंडर एंड अदर वन इज रिसीवर. सेंडर को क्या बोलते हैं? कंजाइनर. और रिसीवर को क्या बोलते हैं? कंजाइनी. हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? हु इज द ओनर? कंजाइनर. बच्चे का लॉजिक, बच्चे को छोड़कर गए, बट ओनर कौन है? कंजाइनर. सो ही इज वॉट? ओनर. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट? प्रिंसिपल. राइट. एंड कंजाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट? एजेंट. एजेंट जो भी खर्चा करेगा उसका रिएम्बर्समेंट कौन कर देगा? कंजाइनर. क्योंकि कंजाइनर का एक्सपेंस है, कंजाइनर का बच्चा है, कंजाइनर के गुड्स है. खर्चा भले ही कंजाइन ही करे, पेमेंट भले ही कंजाइन ही करे, बट अल्टीमेटली कौन बियर करेगा? कंजाइनर. राइट. कंजाइनर अपने बुक्स में एक और दो मुख्यतः अकाउंट बनाता है. पहला अकाउंट का नाम है कंजाइनमेंट अकाउंट, बोलो क्या है? दूसरा अकाउंट का नाम है कंजाइनी अकाउंट, बोलो हां. कंजाइनर अकाउंट, कंजाइनर अकाउंट इज, सॉरी, कंजाइनमेंट अकाउंट इज व्हाट? नॉमिनल अकाउंट. कंजाइनी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. ये कौन है रियल वाला? गुड़गेला बामला आवाज व्यवस्थित चोड़न चोड़न लावाने. ठीक है, अनवर गरम पट्टी बांध. कंजाइनमेंट अकाउंट इज विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. एंड कंजाइनी अकाउंट इज विच अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. से यस, पर्सनल अकाउंट क्लियर हुआ. अच्छा, कंजाइनी अपने बुक्स में कौन सा अकाउंट बनाता है? एक ही अकाउंट जिसका नाम है कंजाइनमेंट अकाउंट. हाँ या ना? कंजाइनमेंट अकाउंट. एक गुड़िया सुनना, मैंने तेरे को 10 लाख रुपए दिए, खर्चा है क्या? खर्चा है क्या? नहीं. अगर ये बोल देते ना खर्चा है, जेल में ले जाके पटक देता मैं इसको. चलो 10 लाख रुपए दिया तो खर्चा किस बात का? एडवांस दिया है तब पर्सनल अकाउंट अफेक्ट होता है, बट जब एक्सपेंस होता है तब पर्सनल अकाउंट अफेक्ट नहीं होता है. तब क्या अफेक्ट होता है? कंजाइनमेंट अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट. दैट आई विल टीच यू, बट आपको समझ में आना होगा कि कब पर्सनल अकाउंट अफेक्ट होता है और कब नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट होता है. जल्दी से लिख कर लो, जो जल्दी से लिख कर लेंगे. हेलो, अरे रेडी? चल मेरे बच्चों ध्यान से सुनो. अभी आई वुड लाइक टू क्रिएट अ वर्किंग फॉर यू विच इज वेरी क्लियर कट, और उससे पता चलेगा. नाउ एवरीवन्स अटेंशन हियर, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो फिर अभी आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है. सपोज यू हैव गॉट अ ट्रेडिंग अकाउंट. आई थिंक गौरव वॉज देयर विद अस. कैन गौरव स्टैंड? सो गौरव आपका ट्रेडिंग अकाउंट है,
What business do you want to conduct? कर ले यार बिजनेस जल्दी से कोई. बोल जल्दी से. हाँ किसका बता रहा? किसका बोला यार? कौन से ड्रग्स? हाँ ट्रक. हाँ भाई हम इधर शाक में आ गए. कौन से बच्चे सीए कर रहे बोल के. हाँ सो ट्रक का बिजनेस करेंगे. अभी सुनो ट्रक का बिजनेस तो कराएंगे हम इनसे, बट ट्रक से जो बिजनेस कराएंगे ना वो ट्रक बड़ी वाली नहीं रहेगी, छोटी वाली रहेगी, जो घर में लेकर नहीं घूमते क्या तुम कर देगा. प्लीज यार समझ मेरी बात को. अब मैं आपको बताऊं क्या हुआ है कि गौरव डिड लॉट ऑफ एफर्ट एंड ही स्टार्टेड सेलिंग द टॉय ट्रक. समझते हो खिलौना, तो ये ट्रक बेचने लग गए. तो पहले तुम क्या करते थे? परचेस, हायरिंग, और फिर क्या करते हो उसको? सेल. बेटा मैं फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इधर ध्यान से देखना. सो ही परचेसेस एंड ही सेल्स. ही परचेस फॉर 100 एंड देन ही सेल्स फॉर 160. उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 60. डू ऑल अप्रिशिएट? यस. नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप. धीरे धीरे इनको ऐसा पता चला कि ही कैन गेट द ट्रक्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ही हैज गॉट अ वेरी गुड नेटवर्क, वेरी गुड कॉन्टैक्ट, जिसके वजह से ये अच्छे अच्छे टॉय इंपोर्ट कर सकते. क्या करता है बंदा? टॉय इंपोर्ट. अब बेटा जी क्या हुआ कि ये बंदा गया इंपोर्ट करने के लिए, बट ही कुड नॉट गेट द लाइसेंस ऑफ दैट. He could not get the license क्योंकि जो इंपोर्ट करने के लिए जाता है वहां पर गुडविल होना चाहिए तुम्हारा, तो तुम्हारा नहीं है क्योंकि यू जस्ट केम इन टू द बिजनेस. Now what he does is he imports and he sends it to you on his risk. ये पुणे में थे, अब ये कहां पे बेचते? दिल्ली में. सो दिल्ली में इनके क्लाइंट है. तो जरा ध्यान से देखो, जब आप परचेस करते हो तो एंट्री क्या करते हो? बोलो ना. हाँ परचेस की एंट्री क्या करते हो? परचेस टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक पार्टी. So, बेटा परचेसेस फिर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में. मान लेते हैं इसने 1000 ट्रक बाय किए. बेटा मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं, अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, क्वांटिटी लिख रहा हूं, राइट. इसमें से कुछ क्वांटिटी इन्होंने खुद के लिए रखी, खुद के लिए मतलब नॉट ड्रॉइंग्स, फॉर हिज ओन बिजनेस, और कुछ क्वांटिटी भेजी इस बंदे को, छिछोरे को. खड़ा हो जाए छिछोरा. क्या नाम है छिछोरे तेरा? हाँ सिद्धि, SIDDIQ QUE, सिद्दीक. ठीक है. हाँ तो अभी बैठ. तो अभी बेटा क्योंकि बच्चों को दिख नहीं रहा इसलिए साइड वाले बंदे को खड़ा किया. नाउ कितने यूनिट्स बाय किए इसने? 1000. कौन है ये 1000 बाय करने वाला? गौरव. गौरव का नाम बहुत बड़ा है और उसको बिजनेस एक्सपांड करना है. गौरव आप कहां पे हो? पुणे में. तो पुणे के ट्रेडिंग अकाउंट पर वजन गिरा 1000 यूनिट का. कितने यूनिट का? 1000. अब गौरव 1000 यूनिट का परचेस हो गया, बट गौरव ने बोला उसमें से मैंने भेज दिए सिद्दीक को दिल्ली में, राइट. कितने यूनिट? लेट्स अज्यूम 200 यूनिट. कितने यूनिट? 200. तो बेटा इसके लिए उसने नया अकाउंट बना दिया, कंजाइनमेंट अकाउंट. एग्रीड? इसके लिए नया अकाउंट क्या बना दिया? कंजाइनमेंट अकाउंट. अब बेटा ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूं. मैं पहला काम यह कर रहा हूं कि जो मैंने परचेस ट्रेडिंग में बुक किया उसको रिवर्स कर रहा हूं, क्योंकि ये अब इसके धंधे का एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस किसी और अकाउंट में मुझे डालना पड़ेगा. बोलो हाँ या ना. सो बेटा जी मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा बाय गुड्स सेंड ऑन कंजाइनमेंट, आई विल राइट डाउन 200 यूनिट, और ये कॉस्ट पर है तो ये भी कॉस्ट पर ही बाहर निकलेगा, क्योंकि बेटा माल का ओनर कौन है? अभी भी गौरव है. अगर गौरव इसको सेल प्राइस पर लिख देगा तो प्रॉफिट अर्न हो जाएगा या लॉस बुक हो जाएगा, ऐसा करना नहीं है. सो ही विल सेंड द गुड्स एट व्हाट कॉस्ट ओनली. मैं वापस से आपको पूछता हूं, गौरव ने कितने यूनिट्स बाय किए? पूरी क्लास हाउ मेनी यूनिट्स बॉट? एंड फ्रॉम 1000 हाउ मच डिड ही सेंड? 200. सो कैन यू टेल मी ट्रेडिंग में डेबिट कितना हुआ? क्योंकि परचेस करते हो अकाउंटेंट के एंगल से सोचो, उसको थोड़ी ना पता है कि कितने यूनिट भेजेगा. तो वो तो पहले परचेस की एंट्री करते हो, उसने एंट्री क्या कर दी? परचेस टू ट्रेडिंग, सॉरी परचेस टू कैश, और फिर परचेस कहां पे चला गया? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कितने यूनिट गए? 1000. बट अब ट्रेडिंग अकाउंट रो रहा है. ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा है सर
तुमने मेरे को एक्सपेंस बुक किया 1000 का, बट 1000 मेरे पास नहीं है, उसमें से कुछ आपने भेज दिया किसी और को, किसको भेजे? कंजाइनी को। तो बेटा कंजाइनी के बुक्स में एंट्री नहीं चल रही है। जो लोग सोच रहे कि ये सिद्दीकी के बुक्स में एंट्री चल रही है, नो, द एंट्री स्टिल हैपनिंग इन द बुक्स ऑफ व्हाट? गौरव ओनली। और यहां पर हम लिखेंगे टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 200, मतलब इधर का एक्सपेंस रिवर्स, इधर एक्सपेंस क्रिएट। अब तुम पूछोगे एक्सपेंस कैसे रिवर्स हुआ, क्योंकि परचेस जब बुक किया था तब 1000 यूनिट का एक्सपेंस बुक हुआ था ना, अब कितने यूनिट का रिवर्स हो गया? 200 यूनिट। और इधर एक्सपेंस कितने का बुक हो गया? 200। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर मैं एंट्रीज की तरफ जाऊं। हम एंट्रीज क्यों कर रहे हैं, ये लॉजिक समझा? मतलब एंट्री रट्टा मारकर मतलब नहीं है ना, व्हाई आर वी डूइंग दैट एंट्री, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इज दैट पॉइंट कंसेप्ट क्लियर है? तो अब मैं एंट्री बताता हूं। बैठ बेटा, बैठ जाए यार। सो नाउ व्हाट इज द एंट्री? आई टेलिंग यू, कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, राइट? जैसे ट्रेडिंग को हम परचेस डेबिट करते हैं, वैसे कंसाइनमेंट को मैं क्या करता हूं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, से यस। तो कंसाइनमेंट को डेबिट हो गया क्या? और फिर नेक्स्ट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो हाँ, बताओ क्या एंट्री की? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एंड गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ सम ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट माइट आस्क मी, सर व्हाई आर यू राइटिंग डाउन गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट? बेटा मुझे थोड़ा सा मौका दे दो, मैं आपको पक्के से समझा दूंगा कि क्यों मैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख रहा हूं, क्योंकि इसकी एंट्री तो डायरेक्टली भी तो हो सकती है क्या? कंसाइनमेंट टू व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट, से यस। बट ऐसे डायरेक्ट एंट्री हम क्यों नहीं कर सकते? एक दिन के बाद में मैं आपको समझा पाऊंगा, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड और सेंट एट अ लोडेड प्राइस, यू अंडरस्टैंड लोडेड प्राइस, 100 रुपए का माल 120 में भेजा, तब कैसे करते? तब गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री आती है, ठीक है? एक बार कॉन्सेप्ट एक बार वापस रिवाइज करेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब माल परचेस होता है तो कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट? मगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में गया, इसका मतलब क्या? वो किसका एक्सपेंस हो गया? गौरव का, कंसाइनर का, एग्रीड? ट्रेडिंग अकाउंट का। बट क्या गौरव उसको बेचने वाला है क्या? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसको भेजा? कंसाइनमेंट, उसका अकाउंटिंग सेपरेट करना पड़ेगा। यह बात अपनी पहले ही हो गई है, से यस। सो गौरव इज गोइंग टू रिवर्स दैट, गौरव इज गोइंग टू रिवर्स दैट एक्सपेंडिचर। गिव मी द एंट्री, गिव मी द एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किसको क्रेडिट हो जाता है? तो क्या एंट्री होती है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट। अब अगर फील कर पा रहे हो, अगर लैंग्वेज को समझ पा रहे हो, ब्यूटी को समझ पा रहे हो अकाउंट्स की, तो डेबिट हुआ था परचेसेस में, वो क्या हो गया अभी? रिवर्स। और कंसाइनमेंट को वो एक्सपेंस दिखाना था, वहां पर एक्सपेंस दिख गया, से यस। बेटा मैं आपको और एक बात पूछूंगा, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स की अगर आपको एंट्री आती होगी तो, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स की सुंदर टीचर ने सिखाई होगी तो, ड्रॉइंग्स टू व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट। या और एक चीज सिखाई थी, ड्रॉइंग्स टू परचेसेस, हाँ या नहीं? सेम लॉजिक से आप इसकी भी एंट्री कर सकते हो। मतलब कई मॉड्यूल में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री करो, तो एंट्री ऐसे भी हो सकती है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, ये भी बराबर है, या कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, ये बराबर है, या कंसाइनमेंट टू परचेसेस भी बोल सकते हो। एक एग्जांपल दूं, परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? परचेस को डेबिट बैलेंस होता है ना, परचेस को कम करना है, क्योंकि क्योंकि मैंने मेरा परचेस कितना दिखा दिया? 1000, उसको कम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? उसको क्रेडिट। इसीलिए बेटा इसकी एंट्री ऐसे भी हो सकती है, कंसाइनमेंट टू परचेसेस या कंसाइनमेंट टू व्हाट? ट्रेडिंग। बोलो क्या हुआ? शी इज ऑल वेल ना, बताओ दो एंट्री क्या हुई? चलो अपने कितनी एंट्री कर ली गुड़िया? दो, इन द बुक्स ऑफ व्हाट? कंसाइनर, राइट? तो मैं इधर ऊपर लिख दू क्या कंसाइनर, और इधर लिख दू क्या? बाबू कोला बाबा, तुम्हें पता है क्या एक ब्यूटीफुल बात, सारी एंट्रीज तुम आज ही करने वाले हो मेरे साथ, है ही कितनी, 6-7 तो एंट्रीज है, उसमें से एक एंट्री तो आ गई आपको। पहली बताओ, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हो? और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहां पे ट्रांसफर हो जाता है? ट्रेडिंग। तो एंट्री क्या होगी? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, ऑब्लिक कुछ और लिख सकता हूं, क्या बोले? अच्छा, जब हम माल बेचते हैं तो क्या कंसाइनी के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेबल या रिसीवेबल वाली रिलेशनशिप बनती है क्या? नहीं। तो ये कंसाइनी कोई एंट्री करता है क्या? नहीं, इधर क्या आता है? नो एंट्री।
रट्टा मत मारो, समझो ध्यान से लॉजिकली क्या हो रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? सो मैंने पहली एंट्री कर दी, दूसरी एंट्री कर दी, ओके। अच्छा ए भाई, माल कहाँ है गौरव? पुणे में। कहाँ भेजना है बेटा? दिल्ली में। कैसे भेजोगे? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट वाला फुकट में लेके जाएगा क्या? नहीं। चलो एक ट्रांसपोर्ट वाले को खड़ा करते। खड़ा हो जा रहा भाई ट्रांसपोर्ट वाला, लो उससे माल, गौरव से माल लो, जाओ हिले वे झंडू। ए गौरव तू उसको कुछ तो दे। ए भाई ऐसे नहीं देने का, बराबर से दे। तू उधर जा भाई, तू उधर जा। हाँ अब माल लो उससे। हाँ पावती बना कर दे उसको, एड़े खजूर। तेरा नाम क्या है? सनी। एक बात बताता हूं, हर चीज फास्ट नहीं करते बेटा, कुछ चीजें स्लो करनी होती है। तो अरे मतलब प्यार से समझाया ना उसको, अब समझ नहीं रहा तो क्या करूं? जा अभी इज्जत से काम कर गया पूरा। हाँ क्योंकि फील नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं होती चीजें। सो नाउ यू हैव गिवन हिम माई इनवॉइस, खर्चा हुआ है। अब ये माल लेकर जब निकलेगा तो रस्ते पर क्या क्या होता है मैं आपको सब चीजें बताता हूं। जब ये सुन लो ना प्लीज बात, हे वहीं कहीं एडजस्ट हो जाए अभी। हाँ जब वो वहां से माल लेकर निकलेगा तो पहले वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस देगा। से यस। सो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट आई नीड टू टीच यू द एंट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। हमारे पास P&L अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही नॉमिनल अकाउंट है। आई कांट इवन यूज द वर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टू कैश पब्लिक बैंक, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बोलूंगा तो इट इज गोइंग टू गो एंड हिट माई P&L अकाउंट। तुमको ये पूछना अपने दिल से, ये खर्चा किया किसके लिए? कंजाइनमेंट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अगर मान लो इसने पे नहीं किया, अगर मान लो इसने पे नहीं किया तो एंट्री क्या होगी? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पेबल अकाउंट। से यस और नो, पार्टी अकाउंट। बट कुल मिलाकर खर्चा किधर डेबिट होगा? कंजाइनमेंट। अच्छा बताओ ट्रेडिंग और P&L में ट्रांसपोर्ट की एंट्री तुम क्या करते? ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। वो ट्रांसपोर्टेशन अल्टीमेटली कहां पे क्लोज होता था? P&L अकाउंट। यहां पर फर्क इतना है कि रादर देन यूजिंग द वर्ड ट्रांसपोर्टेशन यू हैव टू यूज द वर्ड कंजाइनमेंट। से यस, कैन आई हैव द एंट्री? जल्दी से बोलो, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये एंट्री क्लियर हुई सभी को? नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट। बेटा ये जब रस्ते से जा रहा था माल लेकर, तो माल खराब हो रहा था रस्ते में, लॉस इन ट्रांजिट, राइट? तो लॉस दो प्रकार के होते, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। अभी हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी सिर्फ दिमाग में भर लो। कितने प्रकार के लॉस होते गुड़िया? दो, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है? फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो माल निकला वहां से, तो उसको माल निकलने के बाद में यहां पर पहुंचा कंजाइनी के पास। कंजाइनी, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास ये ट्रांसपोर्टर है, तुम क्या करोगे? माल लोगे और माल लेकर तुम्हारे गोडाउन तक लेके जाओगे, हाँ या ना? तुम्हारा कुछ खर्चा होगा कि नहीं होगा? इसका खर्चा होगा। इसका क्या खर्चा होगा? कि जब ये माल लेकर निकला था तो वो वहां से लेकर निकला था और वापस ये इसके शॉप में या इसके डिलीवरी पॉइंट पर लाकर छोड़ देगा, उस डिलीवरी पॉइंट से डिलीवरी इसको लेनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्चा किसका है? कंजाइनर का। थैंक गॉड गौरव नहीं बोला। हाँ बच्चा किसका है? बच्चा किसका है? कंजाइनर का है। नहीं, खर्चा कौन करेगा? कंजाइनर मतलब बियर वो करेगा, बट इस बार पेमेंट कौन कर रहा है? सिद्दीकी। तो उसके बुक्स में वो एंट्री क्या करेगा? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सिद्दीकी अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? वो क्या बोल रहा है कि खर्चा तो हुआ है मेरा, तो कंजाइनमेंट गॉट हिट, बट किसको पेमेंट करना है अभी इसको? सिद्दीकी। क्रेडिटर, पेबल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो पेबल बन गया ना भी है, पर्सनल अकाउंट आई गॉट क्रेडिटेड, यस और नो? तुम्हें पैसा इससे आना है कि नहीं आना है? तो बेटा जब ये खर्चा करेगा तो ये एंट्री क्या करेगा? कंजाइनर अकाउंट डेबिट, उससे पैसा आना है, जिससे पैसा आना है उसको कौन सा बैलेंस? डेबिट। तो ये एंट्री क्या करेगा? कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। से यस और नो? मैं आगे जाऊंगा ही नहीं जब तक तुम एक्सपेंस की एंट्री मुझे नहीं बता देते, क्योंकि उसके बाद में मेरे को डील किसके बारे में करना है? सिर्फ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, दैट्स इट। उसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, बात खत्म हो जाती है। बैठ जाओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं वापस एक बार। खर्चे एक नहीं दो व्यक्ति कर रहा है, कौन कौन? कंजाइनर और कंजाइनी। तुम्हें कंजाइनी के कुछ खर्चे बताऊं? कल मैं, ओके लेट्स कंटिन्यू दिस एग्जांपल। इसको माल बेचना है तो इसको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, हाँ नहीं? एडवर्टीजमेंट का पैसा इससे वसूल करेगा,
एक एग्जाम्पल अगर हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता बेटा, तुम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने अगर उसको बोला कि तुम एडवर्टीजमेंट करो, तुम्हारा खर्चा हम बियर करेंगे, क्योंकि हमारा एजेंट है सिर्फ, तुम ऐड दो, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हारा खर्चा हम बियर करेंगे, यस और नो? ऐसा रियल इस्टेट में होता है, जब तुमको तुम्हारा घर बेचना होता है, बहुत अर्जेंट होता है, तब तुम क्या बोलते हो एजेंट को कि तू ऐड दे, अच्छे से अच्छे ऐड दे, उसका सारा खर्चा मैं बियर करूंगा, बट जो पार्टी आएगी उसको देख ले, एक बार चेक कर देख ले, मैं बिजी रहता हूं, मेरे पास समय नहीं है, तू सारा एक्टिविटी कर, बट तेरे जितने भी खर्चे होंगे वो सारे मैं बियर करूंगा, बट तू दिखा पार्टी को और वो काम खत्म कर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो नाउ हु आर गोइंग टू मेक द एक्सपेंसेस? टू पीपल, वन इज व्हाट? कंजाइनर, एंड द अदर वन इज व्हाट? कंजाइनी। बी रिलैक्स्ड, एनी एक्सपेंडिचर विल बी डेबिटेड टू व्हाट? कंजाइनमेंट अकाउंट। कैन आई हैव द एंट्री? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंजाइनर ने किया तो क्या? टू कैश। अगर इसकी तरफ से पेबल है तो क्या करेंगे? टू पेबल। बराबर है ना? अगर इसकी तरफ से पेबल है, पे नहीं किया तो क्या बोलेंगे? टू पेबल। बोलो हाँ, जल्दी से पूरी एंट्री बताएंगे क्लास। कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश और ऑब्लिक पेबल। ऑब्लिक पेबल मतलब पे कर दिया तो टू कैश, पे नहीं किया तो क्या? पेबल। अगर इसने खर्चा किया, सिद्दीकी ने, राइट, कैसे एंट्री होगी? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? नहीं, इसकी बुक में एंट्री नहीं पूछ रहा हूं, खर्चा इसने किया, इसकी बुक में पूछ रहा हूं, गौरव की बुक में, कंजाइनर की बुक्स में एंट्री बताओ। कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सिद्दीकी अकाउंट, दैट इज कंजाइनी अकाउंट। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो बेटा जी, अब मैं बोल रहा हूं थर्ड पार्ट, अब इसको देखता पढ़ना कैसे। एक्सपेंस इनकर्ड बाय, ठीक है, कंजाइनर, मैं एंट्री क्या करूंगा? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट, मेरे पास एक ही नॉमिनल अकाउंट, टू व्हाट? कैश। डन। और नेक्स्ट एंट्री देखो बेटा, ये कैश ऑब्लिक पेबल भी हो सकता है। नाउ इफ इट इज इनकर्ड बाय कंजाइनी, सो बेटा खर्चा तो अपना है, तो अपन क्या कर देंगे? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कंजाइनी अकाउंट। हमें पैसा किसको देना है? कंजाइनी को। अब मैं आपसे ध्यान से पूछ रहा हूं, इधर देखो, ये कौन था? इधर कंजाइनी। पहली एंट्री नो एंट्री, दूसरी एंट्री नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? क्योंकि बेटा ये सब कुछ चल रहा है किसके बुक्स में? कंजाइनर। कंजाइनी को कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, कंजाइनर ने एक्सपेंस किया, कंजाइनी क्या उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला है क्या? नहीं, वो क्या बोलेगा? नो एंट्री। अरे बरोबर है क्या नहीं है? नेक्स्ट, कंजाइनी ने खर्चा किया तो इसकी कैश आई या गई? गई। ये खर्चा इसका था या ये किसी और से वसूल करना है? वसूल करना है। उस व्यक्ति का नाम क्या जिससे वसूल करना है? कंजाइनर। तो एंट्री क्या बनी? कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक पार्टी, मतलब पेबल होगा तो व्हाटएवर, बट ये खर्चा किया है, वसूल किससे करेगा? कंजाइनर से। बोलो हां या ना? यहां तक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। नाउ आई टीच यू समथिंग कॉल्ड एज व्हाट इज नॉर्मल लॉस एंड व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस। व्हाट इज नॉर्मल लॉस एंड व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस और उसकी एंट्री। सो फोर्थ, गाड़ी रस्ते से जा रही थी और उसमें कई बार गुड्स गेट्स इवेपोरेटेड, समटाइम्स गुड्स गेट्स डिस्ट्रॉयड, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेंडिंग ग्लास आइटम्स, बहुत नॉर्मल है कि कुछ ग्लास आइटम खराब होते ही है, या मान लो तुम भेज रहे हो तुरतुरे कुरकुरे भेज रहे हो, राइट, एक एग्जाम्पल। सो बेटा वो ऐसा होता है कई बार कि प्रेशर गिरकर वो कुरकुरे के पैकेट दब जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं, ऐसा होता ही है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल लॉस का मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, राइट? मुझे एक पेपर का टुकड़ा मिल सकता है क्या? थैंक यू सो मच, कुछ काम का नहीं आपका ये। इस लड़की ने मुझे ये पेज दिया है और इस पेज का इतना अच्छा प्रयोग हुआ है कि इस पर मैथ्स भी सॉल्व हुआ और पीछे मेहंदी भी हुई है, दोनों चीज हुई, ठीक है? अब मेरी बात सुनते हो आप? बेटा मैं आपको नॉर्मल लॉस सिखा रहा हूं। मेजॉरिटी सीपीटी बच्चों को नॉर्मल लॉस क्या होता है एग्जैक्टली पता नहीं होता, क्लियर कट आइडिया नहीं होती, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर कट आइडिया दूं। बेटा ये कपड़ा है, क्या ये किसी को पेपर दिख रहा है? हाँ बताओ, ये क्या है? कपड़ा। इस कपड़े से हम क्या करते? इसका ड्रेस बनाएंगे, इसका ड्रेस बनाएंगे, एग्रीड? किसी के पास कैंची है? बाय एनी चांस समबडी हैज गॉट सीजर?
ठीक है, मेरे पास है सीजर, मैं इसके कुछ ड्रेस बना रहा हूं, पता नहीं कौन सी बनेगी बट बन जाएगी। वैसे भी क्या है, चलो चलो सुनो ना, ये बन गई ड्रेस और ये मैंने निकालकर बाजू में निकाला। मतलब क्या, अगर तुम्हें ये मैन्युफैक्चर करना है तो इतना नुकसान करना ही पड़ेगा। दिस लॉस इज अनअवॉइडेबल, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अनअवॉइडेबल लॉस। सपोज इफ आई एम इन टू द बिजनेस ऑफ मेकिंग चप्पल्स शूज, तो शूज के वो लेदर आता है, फिर उस लेदर की शीट्स को हमें कट करना पड़ता है एज पर शेप। तो जब वो कट किया जाता है तो कुछ पार्ट निकल जाता है, वो जो पार्ट निकल जाता है बेटा वो लॉस है आपका। लॉजिकली सोचो लॉस है कि नहीं है, बट अगर आपको वो बिजनेस करना है तो वो लॉस इनकर करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, ये मैंने खरीदी किया, एग्रीड, मैं पूरी क्लास को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने खरीदी किया, लेट्स राइट डाउन आई परचेस्ड 100 यूनिट। इसको यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, मैंने कितने यूनिट परचेस किया, 100। नॉर्मली कम से कम 10 यूनिट तो बेटा जी आपका लॉस होगा, मतलब होगा राइट, क्योंकि आपने शायद ग्लास आइटम बाय किए तो उसमें से 10 यूनिट्स विल गेट डिस्ट्रॉयड, नॉर्मल लॉस। So if it is a normal loss, my dear friend, you will write down sale only 90 units. Agreed? Boys and girls, you do not record the entry of normal loss. Now I see question mark on my students' faces because they have heard this for long, long time ki normal loss is not recorded. But why it is not recorded, sir? Please, koi explain hi nahi karta. Main aapko proof deta hun ki kyun record nahi karte. Bilkul logical treatment hai. नॉर्मल लॉस मतलब यह पता चला कि अगर धंधा करना है, व्यापार करना है, तो वो लॉस होगा, मतलब होगा। अब मेरे बच्चे 100 खर्चा बुक किया, इसमें मैंने मतलब जो सेल किए वो भी कर लिया, और जो 10 यूनिट्स मेरे लॉस हो गए वो भी तो ऑटोमेटिकली बुक हो गए ना, क्योंकि मैंने एंट्री किसकी दी थी, परचेसेस 100 यूनिट के, उसमें से 90 बिकने के काम आए, क्लोजिंग स्टॉक जीरो। क्लोजिंग स्टॉक कितना, जीरो। वाई जीरो, क्योंकि 10 यूनिट तो नॉर्मल लॉस हो गया। तो बेटा समझ में आया क्या, जो धंधा करने के लिए लॉस होगा मतलब होगा, दैट इज एक्चुअली डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज एक्चुअली व्हाट, अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट शुड बी डेबिटेड टू व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। तो ऑटोमेटिकली जब मैंने परचेस किए थे 100 यूनिट तो इट ऑटोमेटिकली गॉट डेबिटेड टू व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट। सो शैल वी टेक सम मोर फिगर्स एंड एनालाइज इट क्लियरली। देखो मैंने परचेसेस किए 100 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज 10, so that turned out to how much, 1000। बेटा मैंने सेल किए बाय कैश ऑब्लिक बाय सॉरी बाय सेल आई सेड 90 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज 25, तो बेटा 90 इंटू 25 कर बता दो जल्दी से, 4250 क्या हो गया आनंद, ये जैसे कुछ भी कर रहा है, इंटू व्हाट 25, 22, एग्रीड बेटा। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, जीरो। अब बेटा आपको मैचिंग दिख रहा है क्या, 100 यूनिट आपने बाय किए, 90 यूनिट इज सेल किए, तो क्लोजिंग स्टॉक 10 यूनिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट क्यों नहीं है, यू विल आस्क योरसेल्फ, सर 10 यूनिट्स क्या हो गए, नॉर्मल लॉस। तो बेटा जैसे ही लॉस बोला तो आस्क योरसेल्फ वेदर इट इज नॉर्मल लॉस और वेदर इट इज एबनॉर्मल लॉस। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, आई विल टीच यू व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, आई विल टीच यू। बट नॉर्मल लॉस रहा तो उसकी एंट्री नहीं होती, और एंट्री नहीं होती इसका मतलब यह हुआ कि वो लॉस ऑटोमेटिकली बुक हो गया, क्योंकि मैंने एक्सपेंस कितने का बुक किया, 100 का ना, तो मतलब 90 का हाँ नहीं पांच गया, हाँ ये एक बजा 90 का एक्सपेंस बुक हो गया, और 10 का भी एक्सपेंस बुक हो गया, बट मैंने 10 के एक्सपेंस को रिवर्स नहीं किया। तो समझ में आता है कि जब आप एंट्री नहीं करते हो इसका मतलब यह हो जाता है कि नॉर्मल लॉस इज ऑटोमेटिकली बुक्ड। क्लियर क्या, बताओ अभी सभी बच्चों को क्लियर है क्या, व्हाई नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड, बिकॉज लवली पीपल इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड व्हेन यू मेड द परचेसेस राइट। अच्छा मुझे एक बात बता बेटा, तूने कुछ ऑर्डर किए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, चाइना से कोई आइटम्स ऑर्डर किए, चाइना से लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यू हैव ऑर्डर्ड, can we assume that you have ordered some delicate, you know, delicate decoration item,
या बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, तुमने चाइना की वो जो एलईडी लाइट्स नहीं होती क्या, वो तुमने ऑर्डर की. अब उनमें से कुछ चलती है कुछ नहीं चलती है, बट वहां पर किलो के भाव में मिलती है, और जनरली वहां पर कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस होता है. हाँ या ना, वो एक्सचेंज कर कर नहीं मिलते, मतलब वो नॉर्मल लॉस है. तो बाय करते वक्त तुम्हारी रिस्क. तो बेटा तू मुझे बता, तूने बाय किया था अराउंड 1 लाख यूनिट. इसने कितने बाय किए थे? 1 लाख यूनिट. और 1 लाख यूनिट में से बेटा कम से कम 5,000 यूनिट खराब निकलते ही है. जब आपको बाय करते वक्त ही ये चीज पता है तो वो है नॉर्मल लॉस. क्योंकि देखो इसके एंगल से सोचो कि अगर मुझे ये व्यापार करना है तो मुझे ये बात मानकर चलनी पड़ेगी कि 5,000 यूनिट तो खराब आएंगे ही आएंगे. किसमें? 1 लाख में से. ये परसेंटेज दिया रहता है कि 1 लाख में से कम इतना खराब आएगा. से यस, हर एक चीज एकदम परफेक्ट नहीं आ सकती. तो जो चीज व्यापार करते वक्त ही पता है वो बनता है नॉर्मल लॉस. से यस. अब जैसे दूसरा, तुमने पेट्रोल का बिजनेस शुरू किया तो पेट्रोल इवेपरेट होने वाला है, तो तुमने बाय कितना किया? 100 लीटर बाय किया, बट सेल कर पाओगे सिर्फ 95 लीटर. वाय? 5 लीटर गॉट इवेपोरेटेड, फॉर एग्जाम्पल. तो बेटा तुमको बाय करते वक्त ही पता था ना कि मैं पूरा 100 बेच नहीं पाऊंगा. हाउ मच आई विल बी एबल टू सेल? ओनली 95 लीटर इन द बेस्ट केस सिनेरियो. सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर नॉर्मल लॉस कितना है? 5 लीटर. जो धंधा करते वक्त ही पता है कि इसकी रिस्क है, दैट बिकम्स व्हाट? नॉर्मल लॉस. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. नाउ व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस एंड व्हाई द ट्रीटमेंट इज गिवन? तुम्हें पता है, गुड न्यूज ये है कि एबनॉर्मल लॉस यू हैव ऑलरेडी बीन डूइंग इट. तुम्हें पता है ऑलरेडी, तुम करते आए हो ये सब चीजें. जैसे एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तुम बस मुझे इतना बताना कि तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा. चीप आदमी. मुझे एक बात बताना, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं एक सिनारियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? तुमने बचपन में एक चीज खरीदी थी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, साइकिल, राइट? 5,000 रुपीज की तुमने एक साइकिल खरीदी. कितने रुपए की? 5,000 रुपीज. एग्रीड? अब जब तुमने 5,000 की साइकिल खरीदी और तुम साइकिल चला रहे थे, चलाने के वक्त तुम्हारे घर में कोई एक रिलेटिव आया और उनका बेटा, तुम्हारे पापा ने बोला बेटा जा इसको भी साइकिल खिलाओ. तुम्हारी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, तुम बोले नहीं मैं नहीं दूंगा मेरी साइकिल. तो पापा ने आके दिखाई, हलाक बोला ना जा लेके जा, लेके गए. वो जिस बच्चे को तुम लेकर गए वो निकला एकदम ही महानलायक और कमीना, और उसने गया और उसने साइकिल के साथ ऐसी ऐसी छेड़खानी की कि साइकिल पूरी खराब हो गई. मतलब एक तो पहले तो छोटा भीम था, उसने क्या किया, उस टायर के सारे ये जो नहीं रहते बॉक्स वो सब निकाल डाले, तोड़ डाले, लॉक तोड़ डाला और बाकी सब चीज़ें तोड़ डाले. कमीना बच्चा था एकदम, राइट? तो अब बेटा जी तुम्हारी साइकिल खरीदी गई थी 5,000 रुपये में, राइट? अब उसके बाद में साइकिल खराब हुई तुम्हारे पापा के सामने, पापा कुछ बोल नहीं पाए, बोले कोई बात नहीं, कर दिया कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है. वही तुम कर लेते तो बस 3-4 लग जाती है. तो पापा कुछ बोल नहीं पाए, बस ऐसा हो गया. अब कुछ दिन बाद तुमने बोला कि मुझे साइकिल चाहिए, तो पापा ने बोला अभी तो ला कर दी थी. तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों गुस्सा क्यों आएगा भाई तुम्हें? क्यों? साइकिल तुमने नहीं तोड़ी थी, बट पापा का डिसीजन मेकिंग किस पर बेस्ड हो रहा है कि तुमको अभी तो साइकिल ला कर दी? गड़बड़ हो रहा है ना. अबे डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट पॉइंट आना जरूरी है. जैसे मान लो गौरव ने इसको एजेंट बताया, गौरव ने सिद्दीकी को एजेंट बताया, गौरव ने माल भेजा 10 लाख रुपए का. अब 10 लाख रुपए का जब माल भेजा, वो गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट. अब ये फोन कर इसको गालियां दे रहा है, भाई तेरे को अक्कल है क्या? तेरे को 10 लाख का माल भेजा था, 10 लाख का माल खराब हो गया, तेरे को समझ आती है क्या बात? तो ये सुन कर लेगा क्या? क्योंकि इसका डिसीजन मेकिंग पॉइंट गलत है. क्योंकि लॉस इसके वजह से नहीं हुआ है, लॉस कोई और कारण की वजह से हुआ है. आपको मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची? कैन यू से दैट दिस लॉस इज बिकॉज ऑफ कंसाइनमेंट? आई विल से नो. तुम्हारा डिसीजन गलत हो जाएगा. शायद ये आदमी इतना ब्राइट है कि शायद ये सेल 4 चांद तक पहुंचा देता, बट उसके पास माल पहुंचे तो सही, बट माल पहुंचा ही नहीं, उसके पहले खराब हो गया और तुम अब इसको गालियां दे रहे हो. तो बेटा जी तुम क्या करोगे कि नहीं इससे धंधा होने वाला नहीं, बंद कर दो कंसाइनमेंट को? तो बेटा जी शायद यू आर लूजिंग अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू हैव नॉट टेकन द डिसीजन प्रॉपरली. लेट मी प्रूव यू विद द हेल्प ऑफ एन अकाउंट. तुमको कुछ एंट्रीज आती है, गौरव ने भेजा सिद्दीकी को, गौरव ने कितने का माल भेजा? 10 लाख का. मैं आपसे बोलूंगा कि 10 लाख का माल भेजा मतलब चलान बना होगा, एक चलान बनते ही उसकी एंट्री हुई होगी. क्या एंट्री हुई होगी? गौरव ने माल भेजा, माल भेजने की एंट्री करो.
Very good. So you said consignment account debit. To goods sent on consignment. Kitna? 10 lakh? 10 lakh. So don't you think so? Consignment account mein ye debit ho gaya kitna? 10 lakh. Ab isne transportation ka kharcha kiya? 1 lakh. I want the entry. Consignment account debit to what? Cash oblique bank account. How much? 1 lakh? 1 lakh. जो बच्चा समझ रहा है उनको समझ में आ रहा है कि हम यहां पर जो भी एंट्री कर रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर रहे हैं. जैसे जैसे डेट आगे बढ़ी वैसे वैसे ये दो एंट्रीज हो गई. राइट हम ऐसा नहीं करते कि पूरा ट्रांजैक्शन होने तक वेट करते और फिर एंट्रीज करते. इसने माल भेजा, इसने एंट्री की, इसने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, इसने एंट्री की, और सारा खर्चा किस में चला गया? कंसाइनमेंट में. अब हुआ ऐसा कि माल पूरा रस्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, उसका कोई इंश्योरेंस कवर नहीं था, इसके पास माल पहुंचा ही नहीं, तो तू कुछ सेल कर पाएगा नहीं. अब ना कंसाइनमेंट में 1 लाख हो गया, ना सेल हुआ, ना क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि जल गया माल पूरा. तो बेटा अब तो लॉस दिख रहा है ना. अब ये लॉस किसके वजह से दिखेगा अगर मैं एडजस्ट नहीं करूंगा तो? कंसाइनमेंट के वजह से दिखेगा ना. फील करो ना, इधर सेल जीरो, सेल कहां से हो गया? पूरा जल गया. इधर क्लोजिंग स्टॉक जीरो, जल गया पूरा. अब मैं क्या लिखूंगा इधर? बाय लॉस. अगर तुम मैनेजमेंट के सामने ऐसे पेपर ले जाकर दोगे, देखो सर 11 लाख का नुकसान हुआ, क्या करे बताओ तुम? मैनेजमेंट क्या बोलेगा? बंद कर दो, मत करो कंसाइनमेंट, अपने लिए अच्छा नहीं है, धंधे में धोखा है. तुम मुझे बताओ उनका डिसीजन सही था या गलत था? क्योंकि तुमने डॉक्यूमेंट गलत पेश किए. तुम्हें बताना चाहिए कि कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है. उनको क्या लग रहा है? कंसाइनमेंट का लॉस है. उनको पता चलना चाहिए कि कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है. इसीलिए जब एबनॉर्मल लॉस हो तब आप एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट करते हो. बहुत सारे बच्चों को लगता है डेबिट होता है. नो, आई रिपीट, एबनॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट. क्योंकि हमको क्या है, इस खर्चे में से उसको रिवर्स करना है. सेम लॉजिक ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. झंडू तू ये काम है ना ट्रेडिंग अकाउंट में भी करता था, बट कभी सुंदर टीचर को पूछा नहीं. तूने माल बाय किया 100 का, पूरा आग लग गई, तो तुम इधर नहीं करते थे क्या? बाय लॉस बाय फायर. कभी पूछा नहीं टीचर को कि माँ इधर क्यों करवाती है तू ऐसे? क्यों करवाती है ऐसे? क्यों लिखवाती है 100? तो क्या कर रही थी पता है क्या तुम्हें वो सुंदर टीचर? वो जो कॉस्ट बुक की थी उसको रिवर्स करवा रही थी और बोल रही थी कि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है धंधे का. और फिर उसको पता है क्या कहां पे लेके जाती थी? P&L अकाउंट में. क्योंकि P&L अकाउंट में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. तो जो हमने डायरेक्ट ट्रीट किया था उसको रिवर्स किया और फिर इधर P&L अकाउंट में डेबिट किया और इधर लिखा लॉस. बोलना हाँ. तो वैसे कंसाइनमेंट अकाउंट में पहले हमने उसको डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट किया, अब उसका हो गया एबनॉर्मल लॉस, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्रेडिट. से यस. सो मेरे रसगुल्ले बच्चे, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बताऊंगे क्या होगी? बाय एबनॉर्मल लॉस. और ये एबनॉर्मल लॉस यहां से जाएगा गौरव के P&L अकाउंट में. गौरव का P&L अकाउंट अलग है, कंसाइनमेंट अकाउंट अलग है. से हाउ? मुझे नहीं समझा. पहली एंट्री वापिस से माल भेजो, रिवाइज कर दे रहो. एक सेकेंड, मैं अब सबको चेक करूंगा. जो नहीं बोलेगा उसको बेंच पे खड़ा करके एंट्री बुलवाऊंगा. पहले ही बोल रहा हूं, अगर तुमको इज्जत प्यारी है तो बोलो, और अगर तुमको नहीं बोलना है तो बेशक दरवाजा खोलो और आराम से बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं. क्लास में बैठना है मतलब मेरे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री है, बराबर है? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं. अगर बोलते हुए नहीं पाए गए तो बेंच पर खड़े होंगे. ठाकुर पंखे की किसी को लगेगी नहीं, डोंट वरी. हाँ, माय फर्स्ट एंट्री, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. दैट मीन्स वी हैव बुक द एक्सपेंस, राइट? और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे कहां से? वेरी गुड. चलो एंट्री बोलो. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ऑब्लिक क्या आ सकता है? परचेसेस. गांव वालों दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, इसकी कोई भी एंट्री कंसाइन नहीं करेगा क्या? नहीं. सेकंड, एक्सपेंसेस हुए, किसने किए? कंसाइनर ने. क्या एंट्री हुई? ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक पार्टी. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक पार्टी. ये छोरा उसकी एंट्री क्या करेगा? कंसाइनर ने एक्सपेंस किया तो कंसाइन ही एंट्री करेगा क्या? कंसाइनर ने एक्सपेंस किया तो कंसाइन ही एंट्री करेगा क्या? नहीं. अब किसने खर्चा किया? कंसाइनी ने. कंसाइनी ने कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया, कंसाइनर एंट्री करेगा क्या? हां. एंट्री बताओ. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. और कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक पार्ट कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक पार्टी अकाउंट. ओके, नॉर्मल लॉस की एंट्री.
नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये किस केस में? फाइनल अकाउंट में। बट अगर कंसाइनमेंट में करना है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कंसाइनमेंट अकाउंट। पक्का ना बाबू? मुझे नहीं समझा, एक बार लास्ट बार बता दो प्लीज। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है? यस। किसी के पास माचिस है? है क्या किसी के पास लाइटर है, माचिस है? ये संतोष लेके आ रहे है क्या किसी के पास? दे दो ना, होगा तो मैं कुछ गलत नहीं समझूंगा, होगा तो दे दो ना प्लीज। है तुम्हारे पास? देना भाई, नहीं है, ठीक है। मैं कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं बोला प्रैक्टिकल डेमो देके बताता हूं। बेटा जी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड का स्टॉक के साथ कोई वास्ता नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड का स्टॉक के साथ कोई वास्ता नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई स्टॉक है, राइट, उसको मैं आग लगा दूंगा। जैसे मैं बता दूंगा मेरे पास कोई स्टॉक है और उसको मैं क्या कर दूंगा? आग लगा दूंगा, राइट। तो ये जब मैंने किया था तो मेरे पास ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, देखो मेरे पास एड्रेस थी, स्टॉक है, वेरी गुड ब्यूटी। अब इस स्टॉक को मैंने लगा दी आग, ठीक है, इस स्टॉक को मैंने लगा दी क्या आग, ये हो गया खराब, ये लॉस हो गया, ओके बुझा, हाँ ये लॉस हो गया, लॉस हो गया, गया लॉस हो गया। अब तुम खड़े हो जाओ, इंश्योरेंस कंपनी पिंक नहीं मरून, मरून मरून, तू मरून नहीं कह रहे, ब्लैक है तू, मरून तू है रहे ना, लाइक मरून कलर नहीं है इधर, पिंक है ये रेड है, अबे मेरे को दिखता है ना बराबर से, ये मरून है ना, कुछ भी मजे ले रहा है मेरे, मरून है भाई, सच्ची बताओ रेड है क्या मरून है? ठीक है रेड है। सुन अभी जादूगर भैरव सुनना, तू इंश्योरेंस कंपनी है, तू इंश्योरेंस कंपनी बराबर है, अभी मेरा क्या नुकसान हुआ बता? मेरा स्टॉक जल कर खराब हो गया, जल गया, उधर चला गया, तू मुझे क्या देगा? कैश देगा कि स्टॉक देगा? तो झंडू बाम ध्यान में रखना, क्लेम रिसीव्ड से स्टॉक पर कभी इंपैक्ट नहीं आता, क्लेम रिसीव्ड से कभी स्टॉक पर इंपैक्ट नहीं आता। अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली यार, कम ऑन, कॉमन सेंस है। अगर क्लेम मिला तो स्टॉक थोड़ी ना बढ़ेगा। बच्चों को लगता है अरे सर क्लेम मिल गया स्टॉक का क्या करूं, स्टॉक नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये, बैठो बेटा, इसका मतलब ये, जब कभी भी आपको क्लेम मिलेगा तो ये जो है कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट किया ये कभी चेंज नहीं होगा। बट जो पी एंड एल अकाउंट में आपने डेबिट किया, मान लो एबनॉर्मल लॉस 1000 रुपीज का था, इधर 1000 रुपीज पी एंड एल में किया, इससे क्लेम मिल गया लेस 600, तो आप यहां पर लॉस दिखाओगे 400। झूठ मत बोलो, आप ये पहले से करते आ रहे, सुंदर टीचर करा रही है आपसे। तो बताओ क्लेम रिसीव्ड विल इट अफेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट? नो, क्योंकि बेटा मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट को पहले ही पूरा रिवर्स कर दिया। तो बच्चों की और एक तकलीफ होती है कि जब क्लेम मिला तो सर उसका क्या होगा? क्लेम मिला तो इट विल नॉट हिट कंसाइनमेंट अकाउंट। बट मॉड्यूल कमी नहीं है, कभी कभी वो हिट कराती है, वो कैसे मैं तुमको समझाऊंगा। बट अभी के लिए मुझे बताओ, क्लेम मिला तो क्या वो कंसाइनमेंट अकाउंट को हिट करेगा क्या? द आंसर इज नो। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो ज्वाइंट वेंचर में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? वहां पर हम लॉजिकली सीखेंगे। सो कम डाउन टू यू दिस पॉइंट, वेर आर वी टिल दिस सो फार? यहाँ पर अरे तुमने एंट्रीज लिखी गई है? अच्छा कोई बात नहीं ना, चिल्लाते क्यों, कर दो ना एंट्री।
ओके नॉर्मल लॉस वी राइट डाउन द हेडिंग व्हाट नॉर्मल लॉस व्हाट इज द एंट्री फॉर नॉर्मल लॉस नो एंट्री व्हाट इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी नो एंट्री बेटा दोनों जगह पे नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती नॉर्मल लॉस पर एंट्री दोनों जगह पे नहीं होती से यस फिफ्थ वन एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कोई बताना चाहेगा एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल लॉस इन द ब्रैकेट लिखू क्या इन द ब्रैकेट लिखू क्या पी एंड एल अकाउंट में डेबिट हो रहा है टू व्हाट कंजाइनमेंट अकाउंट कंजाइनमेंट को क्रेडिट किया हाँ या नहीं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट कंजाइनमेंट अकाउंट इधर आएगा नो एंट्री एबनॉर्मल लॉस टू व्हाट कंजाइनमेंट अकाउंट और इधर आएगा नो एंट्री अच्छा क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस उसकी एंट्री क्या आएगी सो इधर एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आना है टू आई शेल से एबनॉर्मल लॉस मतलब मेरा एबनॉर्मल लॉस को मैं क्या करूंगा कम याद आता है कि पी एंड एल अकाउंट में सुंदर टीचर सिखाया करती थी जाओ बेटा लिखो लॉस बाय फायर इनर कॉलम लेस रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और पी एंड एल अकाउंट में नेट फिगर डेबिट होता था इसका मतलब बेटा एबनॉर्मल लॉस को डेबिट बैलेंस है उसको क्या कर देंगे क्रेडिट बट ये कहां पे होगा बेटा जी पी एंड एल अकाउंट में इट विल नॉट हैपन एनीवेयर इन कंजाइनमेंट अकाउंट से यस आहू बल्लाल देव हो गया क्या इधर क्या आएगा नो एंट्री चलिए एक बार लास्ट बार मुझे इतनी सी बात बता दो ना बेटा छोटी सी बात है बता दो ना यार पूछू क्या एक 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 करके एंट्री करते गुड़िया तेरे को दिख रहा हूं क्या मैं दिख रहा है ठीक है व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट क्लोज द गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेसेस अकाउंट मैं पहले बोल रहा हूँ बेंच पे खड़ा करूंगा मैंने अलग मैं बहुत सीरियसली बात बोल रहा हूँ या तो एंट्री बोलो नहीं तो मैं बेंच पे खड़ा करूंगा नहीं तो क्लास के बाहर जाओ सो थर्ड एंट्री नाउ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनर कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंजाइनी कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक पार्टी अच्छा इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी बोलना था इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी ठीक है गो टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट अकाउंट मींस एबनॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड टू कंजाइनमेंट अकाउंट यस और नो इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी नो एंट्री एबनॉर्मल लॉस क्लेम रिसीव्ड ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट मतलब जो क्लेम मिलेगा क्या वो कंजाइनमेंट अकाउंट को हिट मारता है क्या नहीं देखो एंट्री आप अपने एंट्री क्या लिखी कैश ऑब्लिक बैंक टू व्हाट एबनॉर्मल लॉस ना तो बेटा कहीं पर भी हिट नहीं मार रहा किसको कंजाइनमेंट अकाउंट को से यस तुम्हें पता है कंजाइनी के माथे पर लिखा होता है सी कंजाइनी के माथे पर क्या लिखा होता है सी क्योंकि वो क्या मांगता है कमीशन तुम गलत सोच रहे थे बताओ कंजाइनी क्या मांगता है फोकट में काम करता है किस लिए काम करता है कमीशन से बोलो ना यस सो मेरे रसगुल्ले बच्चों कमीशन होते तीन टाइप के पहला होता ऑर्डिनरी कमीशन दूसरा होता डेल क्रेडिट कमीशन और तीसरा होता ओवरराइडिंग कमीशन कमीशन कोई भी प्रकार का हो एंट्री तो सेम ही बनेगी से यस अच्छा मुझे बताओ ये कमीशन किसका एक्सपेंडिचर है कंजाइनर का तो कंजाइनर इसको कहां पे डेबिट करना चाहिए कॉमन सेंस लगाकर बोलना गटर मत खोलना पी एंड एल अकाउंट या कंजाइनमेंट अकाउंट कंजाइनमेंट अकाउंट क्योंकि वो कंजाइनमेंट पर भेज रहा है इसीलिए खर्चा है कि नहीं है सो क्या बेटा कमीशन की एंट्री करूं क्या कमीशन मैं एंट्री करूंगा कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट हाय नहीं किसको पैसा देना होता है टू कंजाइनी कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट
कंजाइनी, मेरी बात पहुंची क्या नहीं पहुंची? कंजाइनमेंट टू व्हाट? कंजाइनी। ये किसके एंट्री हुई? कमीशन की। ए बाबू कंजाइनी क्या एंट्री करेगा इसकी? बट कैश तो दी नहीं ना इधर, कैश कहां दी? तो वो क्या बोलेगा, किससे पैसा आना है? कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कमीशन अकाउंट। और ये कमीशन जाएगा उसके पी एंड एल अकाउंट में, क्योंकि उसका तो व्यापार है मेन, उसके लिए सेपरेट अकाउंट है नहीं कोई। से यस। इसमें कमीशन से जुड़ी हुई और कुछ एंट्रीज है विच हैज गॉट डेल क्रेडिट कमीशन एंड ऑल, विच आई टेक इट इट लिटिल लेटर ऑन, जैसे बैड डेट्स वगैरह। आई एम नॉट टेकिंग इट राइट नाउ, आई टेक इट लिटिल लेटर ऑन। बट अभी के लिए कमीशन की एंट्री समझ में, जल्दी से बताओ कमीशन की एंट्री क्या? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कंजाइनी अकाउंट। और कंजाइनी अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा? कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। डन। अच्छा अब लास्ट वाली एंट्री सुन लीजिए, लास्ट वाली बेटा। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के कौन से साइड में लिखते हो? क्रेडिट साइड। सेम यहां पर भी स्टॉक कहां पर लिखोगे? कंजाइनमेंट के क्रेडिट साइड में। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बता देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंजाइनमेंट मेरी एंट्री आएगी। स्टॉक ऑन कंजाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंजाइनमेंट टू कंजाइनमेंट अकाउंट। स्टॉक ऑन कंजाइनमेंट टू व्हाट? कंजाइनमेंट अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग को क्रेडिट करते हो वैसे यहां पर किसको क्रेडिट करोगे? कंजाइनमेंट अकाउंट को। अब इसमें भी कुछ खास बातें होती है। लोडिंग, लोडिंग मतलब क्या बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व वाला, वो कॉन्सेप्ट भी हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, एक आध दिन के बाद में करेंगे। इज दैट ओके? बट आज के लिए मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि वी वर एबल टू कम डाउन टू व्हाट? जर्नल एंट्रीज। से यस। चलो मुझे नहीं समझा, एक बार वापस से एंट्री। सर क्यों इतनी बार एंट्रीज करा रहे हो यार? नहीं, रिवीजन इज द की, एंट्रीज आनी चाहिए, बात खत्म। अभी भी कुछ बच्चों को अंदर से एंट्रीज नहीं आ रही, मुझे पता है ये बात। जितनी इजीली एंट्रीज आएगी उतना इजीली मैं आपको चैप्टर करा दूंगा, ठीक है? तुमको एक बात बताऊं क्या, मैंने इस चैप्टर का पूरा स्ट्रक्चर तो बना दिया, अभी मैं करने वाला क्या हूं मैं बताता हूं। अगली बात, मैंने जैसे अभी स्टॉक की एंट्री की, तो अभी मैं उसमें से स्टॉक पिकअप करूंगा और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा। मैं उसमें से पिकअप करूंगा कमीशन और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा। फिर उसमें से मैं बताऊंगा कि कंजाइनी को आपने डेबिट क्रेडिट किया, उसका सेटलमेंट कैसे होगा, फिर मैं सेटलमेंट का पार्ट डिस्कस करूंगा। बट एंट्रीज अगर फ्लो में पता रही तो फिर एंट्रीज के बेसिस पर मैं कौन से पार्ट को क्यों डिस्कस कर रहा हूं ये पता चलते रहेगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज द रीजन द होल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आर वी डिस्कसिंग? यू विल कीप ऑन गेटिंग द लॉजिक्स अगेन, राइट? सो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? देर आर टू पीपल। हु इज द फर्स्ट वन? कंजाइनर। हु इज द अदर वन? कंजाइनी। हु इज एजेंट? हु इज प्रिंसिपल? हु इज द ओनर? Who bears the risk? Done, done, done. Okay. What does consignee gets? Commission. Okay. Now, what is the first entry consigner makes when he sends the goods? Consignment account debit to goods sent on consignment account. This is the first entry which is done when I am sending the goods. Will consignee make any entry? No, because he is not accepting any liability. वो बोल रहा है कि मैं तेरे बिहाफ पर ही माल मेरे पास रख रहा हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। Second, माल भेजने के लिए खर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या एंट्री होगी? बाप इतना खतरनाक रट्टा। मैंने बोला माल भेजने के लिए कुछ खर्चा होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला माल भेजने के लिए कुछ खर्चा होगा क्या नहीं होगा? हाँ। और राम 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 राम। मतलब इनको एंट्री सीक्वेंस में नहीं उल्टा सुलटा कर पूछना पड़ेगा। चलो मैं वापस से पूछ रहा हूं, माल भेजने के लिए कुछ खर्चा होगा क्या नहीं होगा? होगा। क्या एंट्री होगी? कैश ऑब्लिक बैंक एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बताओ। एबनॉर्मल लॉस टू कंजाइनमेंट अकाउंट। पक्का? नॉर्मल लॉस की एंट्री बताओ। कमीशन की एंट्री बताओ। कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कंजाइनी अकाउंट। गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट को क्लोज करो। गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेसेस। अबे छिछोरो, एक बार एंट्रीज कर ली हो घर जाके, ऐसे सीक्वेंस में रट्टा नहीं मारकर रखने का। क्योंकि जैसे ही मैंने इधर उधर की एंट्री पूछने लगी, तुम्हारी आवाज में सिंक निकल गया। समझ में आ रहा है क्या? आई होप यू विल डू इट लिटिल वेल। ऑलराइट, सो हियर आई टेक यू टू द फ्रेंड्स, प्लीज लिसन टू मी नाउ केयरफुली। बेटा जब
अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसका कोई ताल्लुकात नहीं है कंसाइनमेंट के साथ, इसका ताल्लुकात हर एक प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ है। क्यों अपने आप को कंफ्यूज करें कि हम इसको कंसाइनमेंट में ही पढ़े, क्यों? ये रट्टोफाई हो गया। मैं जो अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी कैसा होता है वो बता रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी कैसे होता है वो भी बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंट में भी इसका वैल्यूएशन कैसे होता है वो बता रहा हूं। मुझे बात बताओ लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया था उसकी एंट्री आपने क्या की थी? लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया था उसकी एंट्री क्या की थी? बोलो नलायको। तो तुमने बोला स्टॉक विथ कंसाइनी या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, हाँ या नहीं? टू व्हाट? ठीक है ना, ठीक है, ये एंट्री हुई। क्वेश्चन मार्क, पांडे जी अमाउंट कितनी कॉस्ट और कॉस्ट कितनी? नहीं, कॉस्ट आएगी एएस टू के हिसाब से, हम पढ़ ही नहीं रहे कंसाइनमेंट अकाउंट में, वही तो बता रहा हूं। ये बहुत सारे टीचर ने ना साला कमीना बन कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करके रख दिया बच्चों को। ट्रेडिंग अकाउंट में भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो आप यही एंट्री करते हो ना, क्या? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो वहां पे क्लोजिंग स्टॉक का फिगर कहां से आता है? सर वहां पे तो सुंदर टीचर देती थी, फिर उसके साथ में और एक है ना मार्केट वैल्यू भी देती थी सर, फिर हम दोनों में से जो लोअर रहते थे ना वो लेते थे। अबे पोपट, मगर वो कॉस्ट आती कैसे थी वो सिखा रहा हूं। तो फाइनल अकाउंट में भी स्टॉक ऐसे वैल्यू होता है, कंसाइनमेंट में भी ऐसे ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी ऐसे ही होगा, जहां जहां स्टॉक वहां वहां ये लॉजिक। समझ में आई बात है ना? कहां कहां? जहां जहां स्टॉक वहां वहां ये लॉजिक। मतलब मैं आपको कंसाइनमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, कंसाइनमेंट में क्रेडिट किया ना अपने जो क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक का, उसकी एंट्री सिखा रहा हूं, उसका वैल्यूएशन सिखा रहा हूं। से हो? अच्छा मुझे कितनी सी बात बता दो, मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं, ठीक है? सुनना मेरे भाई, तू ऐसा जो बैठा है वो, हाँ सुन ले मेरी बात। ये मेरी गोल्ड चेन है ना, अंदर रख लो, मेरी जान को खतरा है, सुन लो ना, ये जो गोल्ड चेन है अगर मैंने वैल्यू की 25,000 में, सुन तो ले, वैल्यू की मैंने 25,000 में, इसका मतलब क्या मैंने उसको बेच दिया क्या? छिछोरे बच्चे पहले याद कर, वैल्यूएशन के लिए मैं जो कुछ भी सिखाऊंगा अगर उसकी एंट्री की ना पूरे प्रेस्टीज पॉइंट में दौड़ा दौड़ा के मार मार के भगाऊंगा। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वैल्यूएशन, मैं तुम्हें ट्रांजैक्शन नहीं सिखा रहा हूं। प्लीज बच्चों तुम कंफ्यूजन क्रिएट करते हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। आई एम टीचिंग यू वैल्यूएशन एज पर एएस टू, आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू डू द ट्रांजैक्शन ऑफ दैट या उसकी अकाउंटिंग करो बोलकर। मैं एक बार भी जर्नल एंट्री नहीं बोलूंगा, हो गई जर्नल एंट्री, जो जर्नल एंट्री सिखा दी हो गई। अब मैं जो सिखा रहा हूं वो क्या सिखाने जा रहा हूं? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन को जबरदस्ती उधर घुसेट के कंफ्यूजन नहीं करने का। मेरी बात पहुंची? क्या मैं क्या सिखा रहा हूं? क्या मैं कोई भी जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं? करोगे? इमोशनल होगे? नहीं। और ये जो भी वैल्यूएशन सिखा रहा हूं ये कौन से टॉपिक में? हर एक टॉपिक में, जहां जहां क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना वहां ऐसे ही वैल्यूएशन होएगा। बोलो हाँ हाँ। तुम्हें पता है वैल्यूएशन के तुम्हारे पास कितने टॉपिक है? AS2 इन्वेंट्री आपके सिलेबस में, फाइनल अकाउंट वो भी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो भी है, कंसाइनमेंट वो भी है। तो मतलब चार जगह पे ये लॉजिक काम आएगा, और मेजॉरिटी बच्चों को ये रट्टा कर कर जाते पता नहीं क्यों। तुमने एंट्री की थी ना स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू व्हाट? कंसाइनमेंट। वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, और मुझे सिखाना पड़ेगा ना। तो सुनो AS2 क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू, बेटा अभी प्रिंट ड्रॉप साइलेंस है, अभी कोई नाटक नहीं। अकॉर्डिंग टू AS2, राइट, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक इन्वेंट्री, टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, All the cost incurred to bring the inventory to present location and condition will be added to cost of inventory.
विल बी एडेड टू व्हाट? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. तो बताओ अकॉर्डिंग टू एस टू व्हाट डज एस टू बोलता है? ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. मतलब वो बनती है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. सुंदर टीचर बोलती थी ना क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट मार्केट प्राइस. तो वो कॉस्ट कैसे निकलती थी बताया क्या? उसमें सारे खर्चे ऐड हो जाते थे अप टू द एक्सटेंट इट ब्रिंग्स द इन्वेंट्री टू व्हाट? प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. अब जब बात यहां तक पहुंची गई है तो हम आगे की स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं. अब सुनिए ध्यान से. ये है कंजाइनर गौरव. कंजाइनर गौरव ठीक है. कंजाइनर ने माल परचेस किया. कंजाइनर ने माल परचेस किया. सो बेटा इस स्टोरी से सुनते जाइए. परचेस प्राइस ये ऐड होगी. बट जब उसने परचेस किया तो उसके साथ साथ उसने कुछ टैक्सेस भी भरे. तो टैक्सेस भी क्या होंगे? ऐड. बट ये ऑफकोर्स नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होने चाहिए. कौन से? हमने डेप्रिसिएशन टॉपिक में भी देखा था. रिफंडेबल लेने का कि नॉन रिफंडेबल? नॉन रिफंडेबल. ये उसकी बन गई कॉस्ट. फिर यहां से उसने ये माल दिया इस छिछोरे को. इस छिछोरे का नाम क्या है? सनी. सनी बालवानंद नहीं. हाँ सनी. ये कौन है? ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर इसको माल को अपने पास ले जाकर पीठ पर ले जाकर लेके जा रहा है. तो जब वो लेके जा रहा है फ्री में लेके जाएगा कैसे लेके जाएगा? चार्ज करेगा ना. सो मेरे रसगुल्ले बच्चों ये यहां पर इसने ट्रक में लोड किया उसको. ये माल आ गया. हाँ नहीं? ये माल को लोड कर दिया. तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऐड होगा कि नहीं होगा? हाँ. ध्यान से सुनना. इधर जब माल जा रहा था तब इधर ये माल उड़ रहा था. ये था नॉर्मल लॉस. माल रस्ते से जा रहा था नॉर्मल लॉस हो रहा था और कई बार एबनॉर्मल लॉस भी हो रहा था. बेटा जब भी नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस होगा तो स्टॉक की वैल्यू तो कम ज्यादा होगी ना. कान खोलकर सुन लो नलायकों. मैं पहले ही बोल रहा हूं जो मैंने अकाउंटिंग एंट्री में सिखाया उसको इधर घुसेड़ाना तो याद रख लेना. मैं इधर अकाउंटिंग सिखा रहा है क्या? काय सिखाओ तो है? वैल्यूएशन. विषय संपला. वैल्यूएशन मतलब मैंने इसका वैल्यूएशन कराया किसी से. इसका मतलब नहीं कि मैं इसको बेच दिया. मैं गया किसी के पास मेरी कार ले जाकर उसको बोला इसका वैल्यू निकाल कर दे. इसका मतलब नहीं कि उसको बेच दिया. वैल्यू निकालना कॉन्सेप्ट अलग है. अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करना बात अलग है. तो यहां से हुआ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस. तुमको स्टेप पता चली. उसके बाद में यहां पर पहुंचा कौन? क्या नाम है भाई? सिद्धि. सिद्दीकी. हाँ हाँ. यहां पर कौन मिला? सिद्दीकी. एग्रीड. और सिद्दीकी ने माल लिया. तो माल लिया तो वापिस इसका गोडाउन कहीं और है. तो यहां से ले जाकर इसने माल पटका कहां पे? गोडाउन में. एग्रीड. ये उसका गोडाउन है. गोडाउन में माल पटका. गोडाउन में माल पटकने के बाद में इधर एक बल्ब लगा हुआ है. राइट. इधर एक वॉचमैन बैठा हुआ है. इधर एक कुत्ता बैठा हुआ है जो इसके इसकी रखवाली करता है गोडाउन की. किसकी मतलब? ये इधर गोडाउन में माल पड़ा हुआ है. हाँ या नहीं? और यहां पर कई बार ऐसे हो जाता है कि हो जाता है नॉर्मल लॉस या कभी कभी हो जाता है इधर भी एबनॉर्मल लॉस. बोलो हाँ. तो फेज मैंने आपको सिखाए तीन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल चार. कितने फेज? चार. सभी लोग अपने अपने दिमाग में इन फेजेस को भरेंगे. पहला फेज माल था गौरव के पास. गौरव है कंजाइनर. उसका जो खर्चा है जैसे परचेस प्राइस फ्रेट राइट कैरेज आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इंश्योरेंस सारे खर्चों को क्या करो? ऐड. से यस. फिर उसके बाद में इसने दे दिया ट्रांसपोर्टर को. तो ट्रांसपोर्टर का भी खर्चा हुआ. तो जो कोई भी ट्रांसपोर्टर का खर्चा हुआ कंजाइनर ने बियर 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 किया उसको क्या कर दो? एड. फिर उसके बाद में रस्ते से माल जा रहा था जा रहा था उड़ रहा था. कई बार आग लग रही थी कभी एक्सीडेंट हो रहा था. तो वो दो टाइप के लॉसेस कौन से हुए? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस. फिर वो माल आगे गया और आगे जाने के बाद में इसने उसकी डिलीवरी ली माल की. राइट. उसका कुछ खर्चा हुआ और उसने उस माल को एक गाड़ी में डालकर उसको पहुंचाया गोडाउन में. से यस. अब माल पड़ा हुआ है कहां पे? गोडाउन में. अब माल गोडाउन में पड़ा हुआ है तो वहां पर उसकी रखवाली करने के लिए कौन है? एक वॉचमैन. वहां पर कुछ एक लाइट का बल्ब लगाया हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस हो रहा है. उसके अलावा वहां पे कुत्ता बैठा हुआ है. वो कुत्ते को आप
कुछ बिस्किट विस्किट देते हो, उसकी रखवाली करते हो, उसको खाना पीना देते हो. क्यों? क्योंकि वो गोडाउन का काम करता है, देखरेख का काम करता है. और उसके बाद में ऐसा भी होता है कई बार गोडाउन में चूहे घुस जाते हैं, गोडाउन में कोई तकलीफ हो जाती है, आग लग जाती है, जिसके वजह से होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन. बात पहुंची यहां तक? अब इन्वेंट्री का डेफिनेशन पढ़ते हैं. हाउ इज इन्वेंट्री वैल्यूड? इन्वेंट्री इज वैल्यूड हाउ ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन विल बी एडेड. मैंने ऐसी बात बोली? तुम्हें बताऊं प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन क्या है? गोडाउन. कुछ याद करने की जरूरत नहीं, रट्टा क्यों मारने का भाई. ये AS2 ने जो बोला है वो अप्लाई करो. तुमने कंसाइनमेंट टॉपिक अगर इसके पहले पढ़ा होगा या व्हाटएवर, तो उसमें बोला हुआ है एड ऑल द एक्सपेंसेस रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग ऑफ कंसाइनर एंड एड ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ व्हाट कंसाइनी. डू नॉट एड रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ व्हाट कंसाइनी. थेरी जब मैं कराऊंगा तब मैं भी आपको यही याद दिलाऊंगा, क्योंकि वो कंसाइनमेंट अकाउंट में ये वर्ड बोलते हैं. बट अगर इंस्टीट्यूट ने थोड़ी बुद्धि लगाकर अगर इस तरीके से सिखाया होता जो AS2 में लिखा होता, तो बच्चों को कभी ऐसे नहीं लगता कि वो AS2 नहीं पढ़ रहे. AS2 ही तो पढ़ रहे हो आप. AS2 का ये बोलना है कि अब माल की लोकेशन क्या है? गोडाउन. तो गोडाउन तक माल को पहुंचाने तक की सारी कॉस्ट क्या करोगे आप उसमें? एड. ये सिद्धांत है. अब तुमको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं. मैं भी आपको खुद क्वेश्चन पूछूंगा और तुम मुझे बताना. कमीशन विल यू ऐड? कमीशन विल यू ऐड? माल गोडाउन में पहुंच गया, अब कमीशन तुम ऐड करोगे क्या? नहीं. अब देखो कुछ कंफ्यूजिंग पार्ट पूछ रहा हूं. इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन गोडाउन. इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन गोडाउन? नो. मैं आपको बोल रहा हूं गोडाउन में माल पहुंचाने तक का खर्चा क्या करना है? एड. उसके बाद में तुमने उसका इंश्योरेंस लिया, वो ऐड करना है क्या? नहीं. बट मैंने शब्द यूज किया इंश्योरेंस फॉर गुड्स इन ट्रांजिट. यस. क्योंकि तुम लॉजिक क्या लगा रहे हो? गोडाउन तक पहुंचाने तक का जो भी खर्चा है किसने किया, टेंशन ना खोलो. एड. एक बार माल गोडाउन में आकर डुर पटक दिया, उसके बाद में तुमने उसका इंश्योरेंस कराया, इग्नोर मार. तुम वहां के लिए इलेक्ट्रिसिटी भर रहे हो, ऐड करोगे क्या? नहीं. तुम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ऐड करोगे क्या? नहीं. गोडाउन से कस्टमर को माल भेज रहे हो, ऐड करोगे क्या? नहीं. बट बेटा जी गोडाउन तक माल भेज रहे हो, ऐड करोगे क्या? यस. मेरी बातें पहुंच रही क्या? तो अब बच्चा मुझे आके पूछता है सर इंश्योरेंस का क्या करना. मैं एक आंसर कैसे दूं? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज एडेड बट इंश्योरेंस इज नॉट एडेड. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स आस्क मी व्हाई, बिकॉज इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज द गुड्स आर स्टिल कमिंग टू द गोडाउन. एनी एक्सपेंडिचर अप टू इट रीचेस टू द गोडाउन विल बी व्हाट? एडेड. बट एक बार गोडाउन में आ गया उसके बाद में तुमने इंश्योरेंस कराया, विल इट बी एडेड? नो. से यस. तो बेटा फेजेस कितने हैं? चार. पहला फेज कंजाइनर का, दूसरा है इन ट्रांजिट का, तीसरा कंजाइनी के खर्चे का, और चौथा फेज गोडाउन में. सो हाउ मेनी फेजेस आर देयर प्लीज एवरीवन? फर्स्ट फेज कंजाइनर, सेकेंड ट्रांसफर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड कंजाइनी, और चौथा गोडाउन. एग्रीड? अब मेरे बच्चों अगर ये चार फेजेस को अलग अलग से करोगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कभी गलत नहीं होगा. कोई भी बच्चा इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पर नहीं करेगा. मुझे पता है कि बहुत सारे क्लासेस में कैलकुलेटर पर कराया जाता है चीज, बट बच्चों को समझ भी नहीं आता कब कौन सा क्यों आइटम ऐड हो रहा है. तो मैं आपको एक फॉर्मेट बनाकर दूंगा, तुमको डायरेक्टली कैलकुलेटर पर भी करना होगा, तो वो फॉर्मेट को पहले फील करना कि मैं क्या बोल रहा हूं. और मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूं AS2 के हिसाब से बता रहा हूं. तो सुनिए मैं क्या कर रहा हूं. पहला हमको यह करना पड़ेगा यूनिट अमाउंट. ओके. फेज वन क्या था? कंजाइनर. तो मैं इधर लिखूंगा परचेस, इधर यूनिट और अमाउंट, फिर एड कंजाइनर एक्सपेंसेस. ये फेज वन था क्या? कंजाइनर एक्सपेंसेस. बेटा कंजाइनर एक्सपेंसेस मतलब आपने कोई टैक्सेस भरे या कुछ भी भरा, उससे यूनिट नहीं बढ़ता बट अमाउंट बढ़ जाती है. तो अमाउंट में मैंने क्या किया? ऐड. और ये फिगर आया, ये इधर जीरो, इधर नील आएगा हमेशा, ठीक है ना? ये झंडू ये समझा कि इधर क्या आएगा? नील. ये फेज वन कंप्लीट, फेज ए कंप्लीट. सर क्यों करा रहे हो? मेरे पर छोड़ दो, मैं समझा दूंगा आपको क्यों कर रहे. फेज वन कंप्लीट. ध्यान रहे इसके बाद में टोटल आनी जरूरी है, जो टोटल नहीं लेते वो आगे मिस्टेक के शिकार होंगे. फेज वन कंप्लीट. फेज टू में क्या होता है?
ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी चल रही है, वहां पे दो प्रकार के लॉस हो सकते हैं, एक नॉर्मल लॉस और एक क्या एबनॉर्मल लॉस। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट, सपोज एग्जामिनर ने बोला लॉस हुआ इन ट्रांजिट, भरोसा मानना वो फेज बी की बात कर रहा है। जब वो बोल रहा है कि लॉस इन गोडाउन तो वो फेज डी की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो बेटा नॉर्मल लॉस सिर्फ आप यूनिट में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया उससे कॉस्ट कम नहीं होती, क्योंकि वो लॉस तो होने ही वाला है। तुमने परचेस किए थे 100 यूनिट, बट 100 कभी मिलने ही वाले नहीं थे तुम्हें, 90 ही मिलने वाले थे। इसलिए हम कहां से लेस करते उसको? यूनिट में से, कॉस्ट में से लेस नहीं करते। ए ना लाइक नॉर्मल लॉस कहां से लेस होता है? यूनिट। नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस, ये दोनों में से लेस होता है। किसमें से? यूनिट और क्या अमाउंट। याद आ रहा है क्या? मैंने यूनिट को भी निकाला और अमाउंट को भी निकाला था, याद है क्या? सो एबनॉर्मल लॉस कहां कहां से लेस होता है? यूनिट एज वेल एज अमाउंट। इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट स्टॉक इन ट्रांजिट हो सकता है ना, तो वो आएगा यूनिट में भी और अमाउंट में भी। से यस, इसका मीनिंग क्या आगे हम देख लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। इसके बाद में जो फिगर आए वो कौन सा फिगर आ गए? बी। ए झंडूबाम समझा क्या? ये किसका हुआ? कंजाइन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ले लिया। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या प्रकार हो सकता है? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या इन ट्रांजिट। उसके बाद में आया कौन 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 कौन? कंजाइनी। कंजाइनी के एक्सपेंसेस कहां तक लेने के? गोडाउन के आगे के या गोडाउन तक? गोडाउन में लाके पटक दिया, उसके आगे का कोई भी खर्चा लेंगे नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेना नहीं है मतलब नहीं लेना है। एग्रीड? सो बेटा हम क्या करेंगे? एड एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनी। ये बेटा प्लीज बता दे यार कब तक के ऐड करूं? ओनली अप टू गोडाउन। अब बेटा इसको मैं समझा नहीं सकता, ये जब आप प्रॉब्लम पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। गोडाउन में आकर माल पटक दिया, उसके आगे का एक्सपेंस डोंट ऐड, उसके पहले तक के सारे एक्सपेंसेस ऐड होंगे। इसको इंस्टीट्यूट शब्द यूज करती है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, और जो उसके आगे के एक्सपेंस होती है उसको यूज किया जाता है रिकरिंग। रिकरिंग डोंट टेक, नॉन रिकरिंग ऑलवेज टेक। तो बेटा जी ये क्या करूंगा मैं, इधर निल। एक्सपेंसेस सिर्फ किस में ऐड होते हैं? अमाउंट में। ये एक्सपेंसेस किस में ऐड होते हैं? सिर्फ अमाउंट में। तो बेटा जी इधर एक फिगर है, इधर एक है, ये हुआ पॉइंट सी, बोलना हाँ। फिर इसके बाद में क्या होगा बेटा जी, तुम्हें पता है? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, वेयर इन गोडाउन। एज यूजुअल नॉर्मल लॉस अगर हुआ तो हम क्या करेंगे? लेस नॉर्मल लॉस। बेटा बताओ नॉर्मल लॉस कहां से लेस होता है? यूनिट्स। और बेटा एबनॉर्मल लॉस कहां से लेस होता है? कहां से? दोनों से। बेटा एक बहुत ही मेजर क्वेरी आती है बच्चों को कि सर कभी आप कंजाइनी के एक्सपेंस लेते हो टू कैलकुलेट लॉस, कभी आप नहीं लेते हो। अगर लॉस इन ट्रांजिट हुआ तो कंजाइनी के एक्सपेंस नहीं आएंगे, बट लॉस इन कंजाइन इज गोडाउन हुआ तो वो आएंगे, क्योंकि लॉस इन कंजाइन इज गोडाउन इज कैलकुलेटेड एट स्टेप डी एंड लॉस इन ट्रांजिट इज कैलकुलेटेड एट स्टेप बी। तो आपको बहुत केयरफुली देखना है एग्जाम में कि लॉस कौन से फेज में हो रहा है, बी में हो रहा है या डी में हो रहा है। जैसे कंजाइनी के गोडाउन में हुआ तो लॉस कौन से फेज में हुआ? डी में। बट अगर ट्रांजिट में हो रहा है तो लॉस कहां पे हो रहा है? फेज बी में। बस इतना ध्यान में रख सकते हो ना, ये झंपे समझा गया मैं क्या बोल रहा हूं। सो उसके बाद में जो आया ये आया फेज डी। मुझे नहीं समझा, पहले बताओ हमारा फॉर्मेट जल्दी से पूरी क्लास। यूनिट अमाउंट, पहला फेज में कौन? कंजाइनर। दूसरे फेज में कौन? ट्रांसपोर्ट में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इन ट्रांजिट। फिर थर्ड फेज कौन सा? कंजाइनीज एक्सपेंसेस। फिर फोर्थ फेज कौन सा? हाँ गोडाउन। मैं आपको पहला फेज पूछ रहा हूं, यूनिट में क्या लिखोगे? जो भेजा वो और अमाउंट। एग्रीड? फिर एक्सपेंसेस किसमें लिखोगे, यूनिट या अमाउंट? अमाउंट। फेज वन कंप्लीट, फेज ए कंप्लीट। एग्रीड? नेक्स्ट नॉर्मल लॉस किसमें से लेस करोगे? यूनिट। अमाउंट में से कुछ करोगे क्या? नहीं। एबनॉर्मल लॉस किसमें से लेस करोगे? यूनिट एंड अमाउंट। एग्रीड? स्टॉक इन ट्रांजिट कहां कहां से लेस करोगे? यूनिट एंड अमाउंट। फेज कौन सा कंप्लीट हुआ? बी। सी में खर्चा होगा कंजाइनी का, हाँ या नहीं? कंजाइनी का खर्चा होगा, क्या करेंगे? ऐड होंगे। कब तक? अप टू गोडाउन। टेक अ स्मॉल पॉज, मैंने आपको एक्सपेंसेस बाय कंजाइनी की एंट्री सिखाई थी, एक्सपेंसेस बाय कंजाइनी की एंट्री सिखाई थी। एंट्री बताओ
कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश. एक्सपेंसेस बाय कंजाइनी बोल रहा हूं ना, लाइको एंट्री बोलो. कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट. पूरी क्लास का ध्यान इधर. अभी हम जो मैंने पहले एंट्री सिखाई थी उसमें दोनों ही एक्सपेंस लेने हैं, रिकरिंग नॉन रिकरिंग. इसमें सारे खर्चे लेने. एंट्री पूरे एक्सपेंस की होगी, वैल्यूएशन सिर्फ अप टू गोडाउन. वैल्यूएशन में कौन से खर्चे लेंगे? सिर्फ अप टू गोडाउन. दोनों को मिक्स मत करो, दोनों अलग है. ये वैल्यूएशन है, एस टू है, ये अकाउंटिंग एंट्री है. तो मतलब मान लो इसका आगे एडवर्टीजमेंट किया इसने, तो एडवर्टीजमेंट ऐड नहीं होगा वैल्यूएशन में. बट एडवर्टीजमेंट का पैसा किससे वसूल करेगा? कंजाइनर से. एंट्री और वैल्यूएशन को क्यों मिक्स करते हो? मिक्स नहीं करना, दोनों अलग है. प्लीज समझे क्या? तो अगर एग्जामिनर ने पूछा एंट्री इज मेड ऑफ व्हाट, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस और बोथ? बोथ. एंट्री दोनों की होती है. बट अगर एग्जामिनर ने पूछा फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वर्ड ध्यान से पढ़ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विच एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड? ओनली नॉन रिकरिंग. एक एंट्री की बात है, एक वैल्यूएशन की बात है. चलो अपन कहां तक पहुंच गए थे? पॉइंट नंबर सी. सी में कौन से एक्सपेंसेस लेना? कंजाइनी क्या? ओनली अप टू गोडाउन. इंस्टीट्यूट उसको शब्द क्या यूज करती है? नॉन रिकरिंग. रिकरिंग लेने का क्या? नहीं. उसके बाद में गए पॉइंट डी के पास, उसमें से वापस लेस करने का. कौन सा? नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस कहां से लेस होता है? यूनिट. एबनॉर्मल लॉस कहां से लेस होता है? यूनिट्स एज वेल एज अमाउंट. और उसके बाद में क्या आ जाता? पॉइंट डी. अगर एग्जामिनर ने पूछा लॉस एट गोडाउन, यू शुड ऑलवेज कम डाउन टू दिल पॉइंट डी. अगर एग्जामिनर ने पूछा लॉस इन ट्रांजिट, सो यू शुड कम डाउन टू पॉइंट बी. बराबर है ना? हाँ. झंडू अब ये लिख कर ले लो जल्दी से, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. ये कहाँ से लिखा कर देने का है मेरे को? वो कहाँ पे है वो ड्राइंग? वेरी मच ड्राइंग. हाँ ये कर कर ले लो. अकॉर्डिंग टू एस टू ऊपर का लिख लिया क्या? फिर ड्राइंग बना लो, ये आपको हेल्प करेगी. कौन से फेज में क्या हो रहा है? फेज वन ट्रांसफर, सॉरी क्या नाम, कंजाइनर. फेज टू ट्रांसपोर्टेशन. फेज थ्री कंजाइनी एक्सपेंसेस. फेज फोर लॉस एट गोडाउन. ड्राइंग निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है. निकाल लो, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है. टाइम पास थोड़ी नहीं किया है तुम्हारे जैसे, थोड़ी नहीं किया. वो क्या बोलते हैं, मेहंदी, सॉरी.
हो गया क्या बाबू? चलो अभी ये लिख लो बेटा, ये लिखो यूनिट अमाउंट, और इसके ऊपर लिख लो ये वैल्यूएशन के लिए यूज होता है सर, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसी टॉपिक में नहीं, हर एक टॉपिक में यही तरीका है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, एंड इट शुड ऑलवेज बी डन एट कॉस्ट। डू नॉट टेक लोडेड प्राइस, डू नॉट टेक लोडेड प्राइस, ऑलवेज टेक कॉस्ट। लोडिंग नहीं लेना, लोडिंग क्या होता है आगे कल तक आएगा शायद से। नॉर्मल लॉस अमाउंट में से कभी लेस नहीं होता, वो सिर्फ यूनिट में से होता है। एबनॉर्मल लॉस यूनिट और अमाउंट दोनों जगह से होता है। एक्सपेंसेस यूनिट में कोई इंपैक्ट नहीं डालता, सिर्फ अमाउंट पर इंपैक्ट डालता है। नॉर्मल लॉस यहां पे निल, लिख दिया क्या? भेज नोटबुक। तब फास्ट कैसे लिख सकता है कोई? तूने बिना देखे लिखा ना? देख के लिखा, बहुत फास्ट लिखता है यार तू, बहुत खुश हो गया बच्चा। इनको सिखा कुछ? दोनों ने अच्छा लिखा, फास्ट लिखा। जाने के पहले एक बार मर्तबा बता दीजिए, जर्नल एंट्री और वैल्यूएशन में कोई भी सिमिलैरिटी है? जो मैं वैल्यूएशन में सिखा रहा हूँ उसकी एंट्री होती है? अबे तुम गधेड़ो बोलो, नहीं तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। नहीं होती क्या एंट्री? अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद मैं रिवाइज करूँगा, मगर रिवाइज करे बिना मैं छोड़ूंगा नहीं। कौन सा यूनिट और अमाउंट वाला? अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैन वी रिवाइज इट नाउ? पीछे वाली छोरी तैयार नहीं है, मैं नहीं कर रहा, तैयार है अभी? हाँ ठीक है। अभी किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए क्या? और किसी को पूछूं क्या कि सब लोग रेडी है? यस, सो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज पर AS2 यू शुड इंक्लूड ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इन केस ऑफ कंजाइनमेंट द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इज गोडाउन ऑफ कंजाइनी। सो मुझे बताओ यूनिट अमाउंट फर्स्ट, परचेज प्राइस कहां कहां पे लिखोगे? यूनिट एंड अमाउंट, फिर एक्सपेंसेस अमाउंट, फिर ए कंप्लीट, फेज ए कंप्लीट करना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा, फिर फेज बी नॉर्मल लॉस, किसमें से माइनस होगा? यूनिट अमाउंट में से नहीं, एबनॉर्मल लॉस दोनों में से, यूनिट एज वेल एज अमाउंट। कौन सा फेज कंप्लीट हुआ? बी। फिर फेज सी, एड विच एक्सपेंसेस? कंजाइनी अप टू व्हाट? गोडाउन। इंस्टीट्यूट इसको नाम क्या देती है? नॉन रिकरिंग। एग्रीड, सो विच एक्सपेंसेस यू शुड ऐड? नॉन रिकरिंग। शुड यू ऐड रिकरिंग? नो। सो बेटा जी मुझे बताओ वो कहां पे लिखेंगे, यूनिट या अमाउंट? अमाउंट। एग्रीड, फेज सी कंप्लीट, अब फेज डी में क्या क्या करोगे? लेस नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस कहां पे हो रहा है? नहीं नहीं, कहां पे हो रहा है? गोडाउन में। कहां से लेस करेंगे? यूनिट। और एबनॉर्मल लॉस यूनिट और अमाउंट दोनों से। से यस,
और लास्ट में आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक. लवली पीपल, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, इसी एक चार्ट के बेसिस पर मैं हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करूंगा, इसी टॉपिक में नहीं, हर एक टॉपिक में. इज दैट ओके? चलो एकदम प्यार से भाई बोलो, कल वादा करो रिवाइज करके आओगे. वादा करो, पक्का वादा है? चलो प्यार से भाई बोलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर.